सभी को ओम शांति। आज मैं शुरू से ही सुना रही हूँ कि हम ज्ञान में भी कैसे आए। तो हमारे यहाँ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था वो फैजाबाद ज़िले में हुआ था, गांव में। और हमारे पिताजी आर समाजी ख्यालात के थे, और पहले इतना नहीं उनका चलता था, क्योंकि आप सबने सुना होगा या जो बुज़ुर्ग हैं उनको मालूम है कि एक रियासत चलती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो रियासत के अलग अलग राजे होते थे, जैसे अमेठी के राजा और कहीं के राजा। तो इनकी रियासत को जो संभालने वाला होता था उसको ज़िलेदार कहते थे, जैसे ज़िलाधीश तो वो ज़िलेदार कहलाते थे। तो उनकी तरफ से एक कोठी मिलती थी और राउंड लगाने के लिए हाथी मिलता था। तो हमारे पिताजी भी ज़िलेदार थे, तो हमारे लौकिक में बाबा भी थे अलग अलग रियासत के। तो दरवाजे पे हाथी रहती थी, उनको अगर अपने रियासत में चक्कर लगाना है तो हाथी पर जाते थे। तो हम लोग भी छोटे छोटे हाथी पे बैठे हैं बहुत, लेकिन इतनी समझ नहीं थी, बैठते थे। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, भारत आज़ाद हुआ, कांग्रेस का राज्य आया, तो रियासतें टूट गई। जब रियासत टूटी तो ज़िलेदारी भी ख़त्म हुई, राजाओं के फिर भी पर्स भी बंद हुए। तो हमारे पिताजी ने फिर टीचिंग जॉब कर लिया था, उसको भी छोड़ करके फिर एक स्कीम निकली थी कि गांव-गांव में डाकखाना खुलेगा। पहले पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ करता था, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर था। अगर लेटर भी डालने जाना तो 3 किलोमीटर दूर जाओ। तो जो ये स्कीम निकली कि हर गाँव में एक डाकखाना होगा, तो हमारे पिताजी ने अप्लाई किया और हमारे घर बैठे ही पोस्ट मास्टर कहलाने लगे। और उसमें सिर्फ दो मिलता था, एक ले आने वाला डाक और जिसको हरिकारा कहते थे, और एक पोस्टमैन डाक बांटने वाला। तीन लोगों से डाकखाना चल जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए थे, तो गांव में ही रहते थे। हमारे पिताजी आर्य सामाजिक ख्यालात के थे। जब घर में डाकखाना हो गया तो उनको टाइम बहुत मिलने लगा, तो काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन किया। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, उपनिषद सब पढ़ डाला, और एक कमरे को पूरी लाइब्रेरी बना दी शास्त्रों की। तो इस प्रकार से चलता रहा। हमारी जो लौकिक में दादी थी, ग्रैंड मदर, वो बहुत भक्ति करती थी, तो हम लोग भी उनके साथ व्रत है, भक्ति करना है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया व्रत में खाने को मिलता था। तो जो व्रत करेगा वो वही खाएगा, तो हम लोग भी व्रत करने लग गए। तो हर त्यौहार पे कोई भी आया जिसमें व्रत करना है, पूजा करना है, तो शामिल हो जाते थे। तो हमारे लौकिक पिताजी समझाते थे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आर समाजी थे, तो वो बहुत सारा उसको जो है ना दलील देते थे कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और एक ने बेच दी, दूसरे ने खरीद ली, अब बताइए आपको क्या वरदान देगा, दिन भर पूजो तुम पत्थर की मूर्त को। तो इस तरह से जैसे कार्तिक महीना तुलसी की पूजा हो, तो कहे जिस पौधे को लगाया हम उसको उखाड़ दें, आपको तुलसी माता क्या वरदान देंगी, मना ऐसे करके वो कहते थे। लेकिन हमारी दादी की भक्ति के संस्कार अपने पक्के, और हम लोग को भक्ति वो अच्छी लगती थी, कीर्तन भजन होता था। तो ऐसे करते करते 1960 की बात है, हमारे पिताजी लखनऊ गए थे। हमारे पिताजी 3 भाई थे, एक फैजाबाद में, एक लखनऊ में। तो जब वहाँ गए तो हमारे छोटे वाले चाचा सबसे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आप बहुत शास्त्र पढ़ लिए, क्या मिला आपको? तो ऐसा यहाँ पे बहनें आई हुई हैं, डायरेक्ट भगवान से मुलाकात कराती हैं, आप चलेंगे हम ले चलेंगे आपको। और जब इतना सुना तो कहा ठीक है हम चलते हैं। उस समय हजरतगंज में केवल एक सेवा केंद्र था लखनऊ में, और शांतामणि दादी वहाँ की टीचर थी। तो जब ले गए तो शांतामणि दादी की जो देखा, और उनके तेज, उनका औरा, उनकी सभ्यता, उनकी चाल, इतनी आकर्षण थी शांतामणि दादी के चेहरे में, जिसने देखा होगा कि वो अपने आप जैसे हर एक को एक पवित्रता की कशिश में खींच जाता था। तो ज्ञान सुना, सुनते सुनते मना निश्चय होता गया, हर रोज़ जो दादी सुनाए कोई क्वेश्चन नहीं था, वो दिल में पक्का, दिमाग में पक्का।
तो कुछ भी हमारे पिताजी को संशय नहीं आया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो जब आने लगे वापस तो दादी ने कहा कि आपको पता है कि यज्ञ से, यज्ञ माता जगत अम्बा सरस्वती मम्मा पधार रही है लखनऊ में, कानपुर आ रही, वहाँ से लखनऊ आएगी, अगर आपको मम्मा से मिलना है तो साक्षात सरस्वती हैं, वही सरस्वती हैं ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, तो माँ से मिल के जाओ। तो हमारे लौकिक पिताजी एक हफ्ता के लिए रुक गए। तो जब मम्मा आई और मम्मा से मिले तो क्लास में उसमें ज़्यादा संख्या नहीं होती थी, मुश्किल से हाल में 30-35 लोग थे। जब मम्मा से मिले तो मम्मा ने क्लास में बोला कि ये बाबा के अवतरण का, बाबा जो नई दुनिया बनाने आया है और बच्चों को खोया हुआ वर्षा देने आया है, तो इस वर्षे के हकदार बनाने का संदेश कौन देगा, जो हर कोई अपना हक ले ले, जो आधा कल्प से खोया हुआ है। किसी भी क्लास वाले ने हाथ नहीं उठाया, हमारे लौकिक पिताजी ने हाथ उठा दिया। तो मम्मा ने कहा अच्छा क्लास पूरा हो फिर आ करके मिलना मेरे से नज़दीक में। क्लास पूरा हुआ, सब मम्मा से टोली लेके चले गए, पिताजी बैठे रहे। मम्मा ने अपने पास ऐसे बिठाया जैसे मैं बैठी हूँ, आके बैठ गए संतली के पास। तो मम्मा ने पूरा पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, तो बता दिया। तो मम्मा ने कहा नहीं देखो ऐसा है कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो इन बच्चों को तो नहीं छोड़ना है आपको, हाँ आप घर पे चलाइए। मम्मा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, बाहर ज्ञान देने के बजाय दान करना है तो घर में ज्ञान दान करो, और आपके बच्चे ही बेहद की सेवा में निकलेंगे, आपको नहीं निकलना है। इतना मम्मा ने कहा। तो पिताजी ने कहा ठीक है मम्मा, पर हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो मम्मा ने संतमणि दादी को बुलाया, तो उस समय हमारे पास यज्ञ में सिर्फ दो चित्र थे जो बाबा ने दिव्य दृष्टि में बनवाए थे साक्षात्कार करा करके, एक झाड़ का, कल्प वृक्ष का त्रिमूर्ति, और त्रिमूर्ति के नीचे आधा चित्र सृष्टि चक्र था, गोला जिसको बाबा कहते हैं, बड़ा साइज का था, तो कपड़े पे जैसे नहीं नक्शा होता है इंडिया का बड़ा, ऐसे बड़ा साइज का था, और दो तरफ वो डंडे लगे थे, उसको रोल करके बहुत सुंदर गत्ते के कॉस्केट बना के उसमें रखे हुए थे। तो वो मम्मा ने दोनों चित्र गिफ्ट में दिया और कहा इसको ले जाओ, और थोड़े दिन के लिए मुरली पुरानी दे दी, ये मुरली जो है रोज़ सुनाना पढ़ के, और जो यहाँ की दिनचर्या है वो दिनचर्या चलाना। अब हमारे पिताजी काफ़ी दिन हो गया, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे, कोई फ़ोन तो होता नहीं था, चिट्ठी आ जाती थी कि हम रुक के आएंगे बस, पोस्ट कार्ड चलता था, भेज दिया लिख के दो अक्षर कि अभी हम रुके हम बाद में आएंगे। तो पहले जब शहर आते थे तो बच्चों के लिए शहरा की मिठाइयाँ ले जाते थे, तो हम लोग खाते थे, और जो हमारे बगीचे में फल नहीं होता था, वैसे अधिकांश सभी फल था हमारी फुलवाड़ी में, लेकिन जो नहीं होता था वो मार्केट से लेके जाते थे, जैसे सेब वगैरह है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आएंगे, तो पहले थैला पकड़ते थे दौड़ के, क्या लाए क्या लाए, तो कुछ नहीं लेके गए थे, ना मिठाई ना कोई फल कुछ भी नहीं, वही पकड़ा का ये लाया हूँ लो उठाओ, वो गोल गोल बना था उसी में रोल करके डाल के ढक्कन था। तो हम लोग तो समय सोचने लगे ये क्या आए भी इतने दिन में और लाए भी कुछ नहीं है। जब बैठे खाना वगैरह खा लिया तब बताया कि ऐसी ऐसी बात है और हम तो शाम से क्लास शुरू करेंगे, तो एक कमरा ठीक कर दो, अलग करके खाली करके साफ़ सुथरा कर दो, उसी में क्लास चलाएंगे, और जिसको बैठना हो वो बैठे। तो हम सब तो वैसे ही घेरे बैठे थे, उनको इकट्ठा हुए सभी, तो सब ने कह दिया हम बैठेंगे। कहा अच्छा, तुम्हारी माता जी ने कमरा खाली किया साफ करके, तो वहाँ तो वही गाय का गोबर लीप दो, सब ठीक कर दो, ठीक ठाक हो गया, शुद्ध हो गया, चटाई भी छा दिया। तो क्लास, कोई लाइट तो होती नहीं थी, तो शहर से ही लखनऊ से ये लाल कागज लेके गए थे पन्नी, तो लालटेन भी दो तीन प्रकार की थी, छोटी से छोटी कमरे के लिए, बाहर के लिए बड़ी लालटेन। तो जब योग कराया तो बड़ी लालटेन पे वो कागज़ का टोपा बना के उसको पहना दिया, तो कमरा लाल हो गया, वो लाल बत्ती हो गई।
और जब मुरली सुनाया तो वो हटा दिया, तो चित्र समझाते थे और मुरली सुनाते थे। धीरे धीरे गांव के भी कुछ लोग आने लग गए, और जो आने लगे तो वो भी चांस की बात है कि जो आता गया वो निश्चय बुद्धि बनता गया, किसी को संशय नहीं, अच्छी खासी क्लास चालू हो गई। लेकिन अब विरोध कहाँ शुरू हुआ है, जहाँ धारणा की बात आई, क्योंकि जो अपने घरों से आते थे, खान पान शुद्धता पवित्रता, इस पे लोगों को एतराज होने लगा कि पता नहीं है कौन सा ज्ञान फैला रहे हैं और इस तरह से होता है कहीं क्या। लेकिन वो लोग मानते नहीं थे, उनको टॉर्चर भी बहुत किया घर वालों ने, यहाँ तक कि जब सर्दी का दिन आ गया तो उनकी रजाई बिस्तर में ठंडा पानी डाल के भिगो देते थे, अब सो कहाँ सोओगे तुम। लेकिन वो भी सहन किया, देखा ये अभी भी नहीं सुधर रहे, जाना नहीं छोड़ रहे, तो क्या किया कि जब वो योग लगाते थे तो उनके घर वाले खड़े रहते थे, निशाना लिया ईंटा मार के पीछे से चले जाते थे कि उन्हीं को लगे ईंटा योग में। खैर उनका अपना विरोध चलता रहा, चलते चलते फिर मुरली ख़त्म हो गई, अभी दूसरी मुरली कहाँ से आएगी। तो झाड़ के चित्र में कॉर्नर पे पहले एड्रेस लिखा था त्रिमूर्ति वाले में, मधुबन का पोखरण हाउस का, तो उसी पते पर लौकी पिताजी ने एक पत्र लिखा और सारा सुना दिया पत्र में कि ऐसे ऐसे हमको ज्ञान मिला है मम्मा के द्वारा और हमारे यहाँ ऐसे क्लास हो रही, लेकिन मुरली ख़त्म हो गई है। क्योंकि ना तो संतामणि दादी ने कहा मेरे से संबंध रखना कनेक्शन, और ना मम्मा ने बताया कि आगे कैसे करोगे कनेक्शन रखना। तो जब वो पत्र बाबा को मिला तो बाबा ने तुरंत पत्र का जवाब दिया, बहुत प्यारा पत्र लिखा लाल अक्षरों में, वो आप लोग देखना बाबा कमरे में है ना, ऐसे बाबा लाल लिखते थे। और मुरली का पैकेट फटाफट आ गया, डाकखाना हमारे घर में, तो मुरली का पैकेट आ गया, देखा तो ऐसे लग रहा था कोई कारून का खजाना मिल गया, अरे बाबा ने मुरली भेजी है मधुबन से आई है। फिर लगातार चलता रहा और पत्र व्यवहार चलता रहा, समाचार भी चलता रहा, या जिनके पर टाचर हो रहे वो भी हमारे पिताजी लिख के बाबा भेज देते। तो ऐसे चलते चलते, लेकिन हमारी जो छोटी बहन हमसे थी वो ट्रांस में जाने लगी, तो वो बताती थी कि ऊपर में ऐसे ऐसे देखा, जो बाबा यहाँ दिखते हैं त्रिमूर्ति में या झाड़ में वो ऐसे वहाँ थे, तो जो उसको स्वर्ग वैकुंठ दिखता था वो सब बताती थी। तो चूँकि पिताजी ने तो लखनऊ में देखा था, संतामणि दादी भी संदेशी थी, तो दादी जो भोग लगाती थी वतन का संदेश सुनाती थी वो सब देखा हुआ था, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये ध्यान में जाती है। फिर भोग लगाना शुरू हो गया कि ऐसे बाबा को भोग लगाना है योग में, तो भोग लगाना शुरू हो गया। जब सब गाड़ी अच्छी तरह चलने लगी, आके कहती है कि बाबा ने वतन से कहा है कि मैं कानपुर आ रहा हूँ और तुम लोग को मिलना है तो आ जाओ कानपुर। अब कैसे विश्वास करें, कहाँ से पूछे आ रहा है बाबा, कहीं से कोई लिंक नहीं था। फिर उसी को हमारे पिताजी ने कहा जाओ दोबारा, फिर तुम बाबा से पूछो कब आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं कानपुर में। तो बाबा ने तारीख और एड्रेस पूरा उसको नोट करा दिया और उसकी मेमोरी में फीड हो गया, आके उसने एड्रेस बताया, लोकेशन बताया कि कानपुर में बाबा कहाँ आएंगे, और तारीख बता दिया, कहा इसी पते पे मिल लेना। अब तो और खुशी कि बाबा से मिलेंगे, ब्रह्मा बाबा से मिलेंगे। जब हम लोग पूरी तैयारी करने लगे, अब गांव वालों के ऊपर तो कब ज़बरदस्त बंधन आया, वो कैसे आ सकते हैं, पर वो बैठ के रोए कि नहीं हमको ले चलो, अपने आंसू बहाएं तो कैसे ले चले। फिर वो उसको भेजा जाओ बाबा से पूछो, उन्होंने रोज़ एक संदेश वो लेके जाती थी, बल्कि दिन में दो बार पिताजी कहें बैठो योग में, जाओ बाबा से पूछ के आओ। तो बाबा ने कहा नहीं सबको ले जाओ, सबको ले आओ, सब मेरे बच्चे हैं, किसी को छोड़ो नहीं, पर एक के घर वाले तो इनकी टांग तोड़ देंगे, हमारे से भी विरोध करेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छा देखो कैसे ऊपर से गाइड किया डायरेक्ट, तो बाबा गाइड भी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा करो, गांव में देवी का मंदिर है जहां हम स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे भागवत हो रही थी, और आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में शाम को 9 बजे देखो बाबा वतन से बता रहा है, जब आरती होगी तो सारा गांव चला जाएगा आरती में, और जब आरती होगी तो तुम लोग घर छोड़ के निकल लेना रात को 9 बजे, जनवरी का महीना।
अभी वहाँ की जो साधन सुविधा थी कन्वेंस, बैलगाड़ी थी हमारे पास, लेकिन बैलगाड़ी चलाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, तो और सब विरोध करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, बैलगाड़ी से नहीं आना है, पैदल आओ, और जहाँ भागवत हो रही है वही हमारा रूट निकलने का। तो बाबा सब तो पकड़ लेंगे, गांव वाले कैसे आएंगे। तो बाबा ने कहा वो रास्ता छोड़ दो। तो जो बस स्टैंड था वो 3 किलोमीटर दूर था, और रेलवे स्टेशन था हमारा करीब 6-7 किलोमीटर दूर। बाबा ने कहा दोनों नहीं पकड़ना है, क्योंकि गांव वाले तो पहुंच जाएंगे फटाफट साइकिलों से इधर उधर, तो वहीं पर घमसान करेंगे। तो क्या करें बाबा? तो फिर बाबा वतन से कहते हैं कि तीसरा रास्ता ले लो, आउट ऑफ वे एकदम। तो वो जो रेलवे स्टेशन है वो 35 किलोमीटर दूर था, और उसके लिए कोई सोच भी नहीं पाएगा, ढूंढ भी नहीं पाएगा, वहाँ तक कोई पहुँचने का संकल्प भी नहीं कर पाएगा। अब निकले तो कैसे? तो बाबा ने कहा साइकिलों पे अपने अपने बैग रखो, उसमें कपड़े रखो। तो 3-4 भाई लोग साइकिलों पे तो सर के बैग थैले लटका लिए, और सब लोग पैदल चले आओ। हम लोग 9 बजे निकल लिए बाबा के बताए हुए रूट से। जनवरी का महीना था, कड़कती ठंडी थी, और रात को निकल पड़े। जब निकल पड़े जो रूट बाबा ने बताया, तो रात भर चलते रहे। लेकिन चांस की बात है, कहते जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पहरेदार सब सो गए थे। कोई भी जिस गांव को क्रॉस करते थे, रास्ता सड़क तो थी नहीं, पगडंडी रास्ते थे, तो यहाँ तक कि उस गांव के कुत्ते भी सो गए थे। अगर रात को निकले तो गांव में कुत्ते ही भूखने लग जाते थे, तो लोग सोचेंगे आधी रात को जरूर चोर आए होंगे, सब गाँव वाले निकल पड़ते थे। डर में एक कुत्ते ने भी पुख से आवाज़ नहीं की, और सोने वालों की नींद नहीं खुली, और रास्ते में बगिया भी पड़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन एक जो लगन कहते बाबा की, लगन में मंगन, लगन सारे विघ्नों को पार कर देता, वो अनुभव किया। कोई संकल्प नहीं आया कि इस बगिया में अंधेरी रात में कोई शेर बघर्रे मिल जाएंगे, चीते बालू मिलेंगे, भेड़िया मिलेगा, कोई संकल्प नहीं। या कोई आंधी तूफान आए तो डाल टूट के गिरेगी, कोई संकल्प नहीं। और अनजानी बगिया में सबसे बड़ा डर तो लोगों को भूतों का लगता है, कि भूत प्रेत ना हो वही ना चिपट लें, कोई भी किसी प्रकार का संकल्प नहीं। जैसे दिमाग में है ही नहीं कि भूत तंग करेगा, कि आंधी तूफान होगा, कि सांप पैरों को आके लिपटेगा। जंगलों से बना बगिया से घास फूस से पगडंडी रास्ते से निकलते पार हो गए, या तो गाँव मिले या बगिया मिले या खेत मिले। चलते 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 सवेरा हो गया। तो आप सबने सुना होगा कि एक जगह है रुधौली, वो 35 किलोमीटर दूर था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो हमारी बुआ का घर था, स्नान पानी किया, और तब एक ट्रेन मुश्किल से पैसेंजर चलती थी दिन भर में कहीं के लिए। तो वो गाड़ी लखनऊ से कानपुर, वहाँ रुधौली से कानपुर आने वाली थी, नहीं लखनऊ से चेंज करके कानपुर आए पैसेंजर गाड़ी, वहाँ से लखनऊ। तो हम लोग बैठ लिए। अब वो ट्रेन के अंदर हमारे लखनऊ वाले चाचा जी भी सब आ गए, उनका भी तय हो गया था। तो वो परिवार, हमारा परिवार, गांव वाले करीब 12-15 लोग थे, जिसमें ये हमारे जो राम निवास भाई खुदा का खत वगैरह बेचते थे ना लिटरेचर में, ज्ञानामृत में, ये भी थे। तो सब लोग ग्रुप में आ गए। तो जब आ गए तो वहाँ से फिर ट्रेन पकड़े लखनऊ तक आए, और वो ट्रेन तब ऐसी होती थी ना, उसमें शीशा ना उसमें कोई विंडो खुला होता था, और कोयले का इंजन, जब गाड़ी छुक छुक करके चलती थी तो धुआं उड़ाती थी, और वो सारा धुआं विंडो से बोगी के अंदर आता था, तो ऐसे लगता था काले 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 धुआं में सब कोयला झोंक के आए हैं, चेहरा भी काला, कपड़ा भी काला, सब कुछ काला। फिर लखनऊ से बदली किया तो वहाँ से कानपुर आए, जो पता बताया था, फिर रिक्शा कर करके वहाँ पहुँच गए। वो तिलक नगर में माताजी बाबूजी का बंगला था, तो वहाँ हम लोग पहुँच गए। इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा बंगला, क्या आलीशान भपका उनका। खैर हम लोग अंदर तो चले गए, अंदर गए लान में बैठ गए। तो जब लान में बैठ गए तो सबको अजीब सा लगा, ये कौन आ गए एकदम देहाती, क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कोई हमें नल मिला या कपड़ा चेंज करें। जब हम लोग पहुंच गए तो बस सब एक प्रश्न करें, आप लोग कौन हो,
कहाँ से आए हो? तो जैसे वो नहीं सुदामा पहुँच गए थे तो उनके जितने दरबान हैं वो घुसने नहीं दे रहे थे, तो पक्का रोल जो था वो हम लोगों का था। तो सब इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, तुमको बाबा ने बुलाया है। तो ये कहते थे हमको बाबा ने बुलाया है, हम आए हैं। किसके द्वारा आए हैं? डायरेक्ट बाबा ने बुलाया है। कोई बहन की चिट्ठी लाए हैं? नहीं, चिट्ठी कहाँ से लेंगे, तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि बिना टीचर की चिट्ठी तो कोई तवज्जो नहीं देगा। तो पहुँच करके दिन भर बैठे रहे, हम लोग भी हटने वाले नहीं। तो यही कहते थे आप बाबा को बता दीजिए, अगर बाबा नहीं मिलेंगे, कोई कहे ऐसे कैसे आपसे बाबा मिलेंगे, तो हमने कहा नहीं मिलेंगे तो हम लोग वापस चले जाएंगे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि जिसने बुलाया है और वो कह दे चले जाओ तो हम खुशी से वापस चले जाएंगे, लेकिन बिना मिले तो नहीं जाएंगे। बाबा कह दे हम चले जाएंगे। तो आखिर दिन बीत गया, तो दिन में भोजन, जितनी पार्टियाँ बाहर के शहरों की आई थी बाबा से मिलने, सबका भोजन लान में था, पट्टी बिछा के खिलाया सबको, तो हम लोगों ने भी खा लिया। तो उसमें एक मिश्रा भाई जी थे जो हम उनके मना जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हमारे पिताजी बने थे, तो उनके गांव के बने थे, तो वो मिश्रा जी जानते थे कि वही हैं पहचान में। तो मिश्रा जी को उन्होंने कहा चलो सब लोग भोजन कर रहे हैं, आप भी भोजन कर लो। फिर हम लोगों ने भोजन किया, शाम की क्लास बाबा ने कराया, क्लास भी किया, लेकिन बाबा तो क्लास करा के संदली सुट के अंदर चले गए, बाबा तक कैसे पहुँचेंगे। रात 9 बज गया और दीदी, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी थी, सभी थी, कहे भाई जाओ कहाँ जाए। हमने कहा जाएँ कहाँ, आए बाबा से मिलने तो जाएँ कहाँ बिना मिले, हम तो यहीं रहेंगे, बड़ी मुश्किल उनके लिए। तो फिर बड़ी दीदी ने जाके बाबा को बताया कि बाबा ऐसा ग्रुप एक आया हुआ है और सुबह से आया है और ऐसे ऐसे वो कहते हमको बाबा ने बुलाया है। इतना जैसे कहा बड़ी दीदी ने, उसमें साफ दादियाँ बैठी थी वहाँ पर, मनोहर दादी, बड़ी दीदी, शील इंदिरा दादी, और वहाँ साउथ की बेंगलोर की टिक्कन दादी जी, हृदय पुष्पा दादी, मना ये दादियाँ सब बाबा के आगे बैठी थी और बाबा नीचे गद्दी पे ज़मीन में बैठे थे, सब आगे बैठी थी। फिर जो है बाबा ने तुरंत जैसे सुना, बुलाओ 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 बच्चों को, बुलाओ, कहाँ है मेरे बच्चे, बुलाओ। फिर दीदी ही बुलाने आई, चलो 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 बाबा बुला रहा। तो बस आप समझ लो उस समय की खुशी, हम लोग गए ऐसे अदर चंद्रमा में, पूरे सब लोग बैठ गए बाबा के आगे, बैठे, बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा ने पूछा बच्चे कैसे आए, क्या हुआ, सारा समाचार सुना दिया। अच्छा बच्चे इतना पैदल किया है तो पांव तो थक गए होंगे। अच्छा उस समय हवाई चप्पल चलते थे, हवाई चप्पल पहन पहन के चले थे हम लोग। तो बाबा ने कहा मैं आगे थी बीच में, मुझे बीच में रखा और साइड से और सब भाई बहन बैठे। तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे अपना पैर तो दिखाओ कितना सूजा है, दोनों पांव जैसे सूज के कछुआ बन गए थे, कभी चले ही नहीं 35 किलोमीटर, वो भी ठंड के दिन में। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे आगे पैर करो। जब मैंने आगे पैर किया तो बाबा हाथ बढ़ा के आगे आए, कहा शास्त्रों में सुना है कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए। तो हम कुछ नहीं बोले, कहा बच्ची तेरा पैर मैं दबाता हूँ, और ठीक कर दिया बाबा ने, कहाँ सूजन चली गई बाबा का हाथ लगते, ठीक हो गया थोड़ी देर में। फिर आजकल तो मुझे कहना पड़ता है कि भई आप लोग मधुबन जा रहे हैं, यज्ञ में सौगात लेंगे, बाबा से मिलेंगे, तो कुछ गिफ्ट ले जाओ। हम लोग को कोई कुछ बताने वाला ही नहीं था, लेकिन उस समय में चरखा की ट्रेनिंग बहुत चल रही थी, गांधी बात था, तो एक अंबर चरखा होता है जिसमें एक साथ हैंडल घुमाइए तो चार धागे निकलते थे, तो मैंने अंबर चरखा की ट्रेनिंग ली थी। और ट्रेनिंग के बाद में 4-5 ब्लॉक की कंपटीशन कराया था वहाँ के जो खादी बोर्ड के थे, तो 5 ब्लॉक के जितने भी चरखा सीखने वाले थे, जहाँ जहाँ अलग अलग सेंटर था चरखा सिखाने का, तो वो सब आए और उनके सिखाने वाले मास्टर भी आए। तो उसमें लिमिट दी थी कि इतनी देरी में इतना धागा निकालना है और धागा पक्का हो, ऐसे खींचो तो टूटे नहीं और गांठ ना पड़े कोई धागे। तो वो धागा निकालने के नंबर होते थे, 40 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, कौन से नंबर का निकालना है।
तो मैंने 100 नंबर का धागा निकाला, मतलब बहुत महीन, और वो निकाला टाइम से पहले पूरा, जितनी उनकी गिनती की लच्ची होनी चाहिए धागे की वो पूरी हो गई। फ्रेम में लपेटते थे बॉबिन से। तो फर्स्ट इनाम मुझे मिला था, 5 ब्लॉक में प्रथम मैं आई थी, और उसमें जो इनाम मिला था वो कुछ नहीं था, खादी का ये कारपेट होता ना गलीचा डबल बेड का, जिसमें शेर भी बनाए हैं, खजूर के पेड़ भी बने हैं, वो सब मिला था। और मेरी छोटी जो बहन थी वो सेकंड आई थी, तो उसको जो है छोटा जैसे नहीं बीच का औसत सेंटर टेबल का वो मिला था, तो उसने भी ले लिया, हमने भी ले लिया। तो हमने बाबा को गिफ्ट दिया, बाबा ने पूछा बच्ची ये क्या, तो मैंने बताया बाबा ये मुझे इनाम में मिला था। बाबा ने कहा खोलो खोलो, बिछाओ, बिछा दिया। तो बाबा ने कहा देखो बाबा तो गरीब निवाज है, बच्ची तो खादी का ले आई है, और बाबा इसको ऊलन देगा। तो लच्छू दादी से कहा कि इसको शॉल ला के दो। तब यज्ञ में इतने अफराद नहीं होते थे, थोड़े बहुत शॉल थी बाबा के पास, तो भाई कोई खास आएगा VIP आएगा, तो लच्छू दादी ने नहीं दिया। वही वाला ना कि एक मुट्ठी चावल दूसरा रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तो रुक्मणी का रोल लच्छू दादी का था। फिर दोबारा बाबा ने बोला, फिर लच्छू दादी ने दे दिया। तो बाबा उठ करके चले गए, और कमरे में लोहे का बहुत बड़ा ट्रंक था, उसमें शॉल रखी थी। खोल करके ट्रंक बाबा अपने हाथ से ले आए, बक्सा जो था बड़ा, और ला के मुझे पहना दिया, पूरा अच्छे से ओढ़ा दिया। कहा बच्ची बाबा गरीब निवाज है। तो ऐसे लगा, पहले सम्मान शब्द नहीं जानते थे, बाद में पता चला कि बाबा ने तो मेरा पहले ही साल पहना के सम्मान कर दिया। तो इस प्रकार से वो रात पूरी हुई, बाबा से बातचीत करते सब कुछ हो गया। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम लोग विश्राम कहाँ करोगे, तो हम लोग तो कुछ बोले नहीं। बाबा ने उलट के पूछा फिर दीदी से दादियों से, तो कहा बाबा इनका कोई पहच वो तो था ही नहीं, कोई खोज खबर ना सूचना थी, तो इनको कैसे जो है प्रबंध दिया जाता। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ एक राधेश्याम बाबू जी कानपुर में इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, जो खुर्शीद बाग का सेंटर है वो बाबूजी ने डोनेट किया था उस ज़माने में। तो बाबूजी के लिए बाबा ने कहा वो कमिश्नर को बुलाओ, उसको फ़ोन लगाओ, और वो इन बच्चों को ले जा कर के। तो पहले ही दिन से बाबा ने चढ़ा दिया, कमिश्नर लेने आए हैं, उनके बंगले में बाबा ने कहा बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, तो इनको सब जा करके दो प्रबंध। तो वहाँ से उन्हीं की कार में आते थे, उन्हीं की कार में रात को जाते थे। 3-4 दिन हो गए, तो लोगों को लगा कि ये तो हटने वाले नहीं, जम के ही बैठ गए, आए बाबा से मिलने। तो माता जी जो थीं उन्होंने हम लोगों से बात किया क्लास के बाद लान में, कि अब आप लोग जा सकते हैं, अब तो बाबा से मिल लिया, 2-3 दिन आपने बाबा की क्लास ली, पालना ली, अब आप वापस जा सकते हैं, कब जाएंगे। तो इतना सुनते हुए भाई चले जाना चाहिए, तो कहा आज ही चले जाते हैं, कहाँ चले जाओ, लेकिन बाबा से मिल के जाएंगे। तो जब बाबा से मिल के कहा, तो बाबा वैसे भी लान में टेनिस खेलने के लिए निकलते थे, ये गुप्ता भाई जी वगैरह थे ना, तो बाबा खेलते थे उनके साथ, और हम लोग दिन में बैठ के मज़ा देखते थे, वो खेलते थे। तो बाबा जब निकले तो हम लोग बाबा के आगे ऐसे घेर के राउंड में खड़े हो गए। बाबा ने बोलो बच्चे क्या है। पिताजी ने कहा बाबा आज हम लोग सब वापस गांव जा रहे हैं। कहा अच्छा गांव जा रहे हैं। तो बाबा दृष्टि देते रहे बारी बारी ऐसे एक को खड़े खड़े। तो फिर दोबारा जब दृष्टि मेरे ऊपर बाबा की गई, तो मुझे 3 बार बाबा ने नीचे से ऊपर तक देखा, और देख करके पूछा बच्ची तुम भी जा रही हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर हमारे लौकिक पिताजी से पूछा कि ये बेटी तो मेरी है, तो क्या तुम उसको ले जाओगे। तो जवाब दिया पिताजी ने कि बाबा जब आपकी बेटी है तो मैं ले जाने वाला कौन हूँ, मैं कैसे ले जाऊँगा। फिर बाबा 2 कदम आगे आए और हाथ पकड़ करके लाके सीने से लगा लिया, बच्ची तुम ना जाना, जाने दो इन लोगों को। तो बस हो गया वहीं हमारा हिसाब सौदा पक्का। फिर यहाँ तक कि वो लोग जा रहे हैं तब उनको गेट तक भी छोड़ने नहीं आए। दीदी कहती है बुद्धू परिवार तेरा जा रहा है, गेट तक तो छोड़ के आ जा करके। हमको लगा बाबा ने ले लिया बस खत्म,
तो फिर हम गेट तक छोड़ने गए। तो ऐसे तिलक नगर में जब बाबा गए यहाँ से, तो बाबा की तो विदाई हो रही थी बड़े अच्छे से, और हम देख रहे थे। और जो बड़ी दादियाँ, जैसे हमारे आत्मोनी दादी थी, तो वहाँ ही थी तिलक नगर में। तो बाबा का सामान, बाबा के साथ जाने वालों का सामान सब पहले से रेलवे स्टेशन पे गया, कुछ बुकिंग होनी है, कुछ चढ़ाना है। और मेरा तो कुछ नहीं, छोटा सा बैग, चार कपड़े का, ज़्यादा था ही नहीं। तो मुझे क्या पता, वो आत्मोनी दादी के कमरे में रखा था। जब सब चले गए तो मैं बाहर, वो भी जैसे देख रही हूँ, तो दीदी कहती है, तुम यहाँ घूम रही हो, सब चले गए, तुम क्यों नहीं गई? हमने कहा, हमको किसी ने कहा ही नहीं। कहा, दिल्ली जाना है बाबा के साथ, पता है? तो हमने कहा, हमारा तो सामान जो है वो आत्मोनी दादी के कमरे में है। कहा, चलो चलो छोड़ो सामान, चलो बैठो मेरे साथ कार में, बाबा के साथ, दीदी के साथ कार में बैठ गए, कोई था ही नहीं ले जाने वाला। सामान यहाँ है, हम चल पड़े मस्त फकीर। दीदी ने कहा, चलो सामान की छोड़ो तुम चिंता। स्टेशन पर गए, सबको अलग अलग बिठा दिया गया, बाबा का फर्स्ट में था। फिर हम लोग सब बैठे गए, तो अब कपड़ा कहाँ? तो बाबा ने कहा, कैसे इतना नहीं याद है? तो ये लता बहन के पिताजी थे ना, रोहतास भाई, तो उसको बाबा ने कहा शायद, या दीदी ने कहा कि रोहतास, तुम सवेरे इसका कपड़ा लेके दिल्ली पहुँच जाना। तो रोहतास भाई दूसरी ट्रेन से हमारा कपड़ा लेके पहुँचे दिल्ली, पहुँचाने वाले वो। और वहाँ जब हम पहुँचे हैं, तो बाबा ने सभा में कहा, देखो मैं बारात लेके गया था, लेके आया हूँ। तो इस तरह से मतलब दिल्ली में रहा, चलते रहे। फिर बाबा ने कहा, अभी तो नई नई आई है, इसको तो कुछ ABCD पता नहीं है, तो ऐसी जगह जाए जो कुछ ट्रेनिंग मिले सेंटरों की, कैसे रहना है। तो दीदी ने कहा, बाबा अमृतसर भेज दीजिए, चंद्रमणि दादी कुमारियों को अच्छा ट्रेंड करती है। तो अमृतसर भेज दिया गया मुझे। जब अमृतसर चले गए, तो वहाँ पे दादी ने कुमारियों को ट्रेनिंग देती थी, हर प्रकार की क्लास कराने की, योग कराने की, उठने बैठने, माना जो भी एक सभ्यता सब सिखाती थी। अच्छा था क्या कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई ड्यूटी नहीं थी, नए नए थे। तो वहाँ जो भी सेंटर्स थे पंजाब में, किसी बहन को ज़रूरत पड़ती थी और चंदमणि दादी से मांग नहीं करती थी, तो दादी कहती थी, इसको ही ले लो विद्या को, भेज दें 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, तो जैसे नहीं कि स्टफनी लगा दो। तो कभी जलंधर से डिमांड आई, कभी जो है बटाला से आई, कभी अम्बाला से आई, जहाँ जहाँ से दादी सी मांगनी हुई, तो बीच बीच में हर महीना 10-15 दिन के लिए उस सेंटर पे मुझे भेज दिया जाता था। और वो सब देख करके उसे हमें अच्छी तरह अनुभव भी हो गया, हर सेंटरों की दिनचर्या देख के, कारोबार देख करके, सब देख लिया। और उसमें क्या था कि हमारी हिंदी भाषा थी, वहाँ की बहनों की पंजाबी भाषा थी। तो कहीं कोई प्रोग्राम होता था, लेक्चर होता था, तो हमको मैगजीन देते थे, तुमको इस टॉपिक पे भाषण करना है। तो हमें और खुशी होती थी कि हम भाषण करने लग गए, तो बहुत अच्छे से मना हमको सब जगह स्नेह मिला और सम्मान मिला। थोड़े दिन के लिए गए, प्यार मिला, कोई डांटने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, लेकिन हम अपने आप में बिल्कुल एक्यूरेट थे। सवेरे से लेके जो काम करना बिना कहे सब करते थे। तो इस तरह से मतलब चलता रहा। फिर दादी जानकी जो है अमृतसर गए पूना से, तो दादी पहले अमृतसर में थी, दादी जानकी वहाँ से पूना का सेंटर खुला तो गई। तो दादी जानकी अमृतसर गई थी, तो बाबा ने दादी को पत्र लिखा कि वो बच्ची को तो मैंने देखा ही नहीं, लेके आया, उसको अपने साथ अमृतसर से ले आना। दादी जानकी और मैं दो ही पूरे सफ़र में, तो दादी भी बहुत प्यार से कुछ ना कुछ बातें, कुछ यज्ञ का इतिहास कुछ को ना सुनाती रहती थी। तो हमसे और क्या बात करेंगे, हम एकदम छोटे हुए, एकदम बड़ी दादी, तो इतिहास सुनाती थी, कुछ ना कुछ समाचार सुनाती थी। मेरे से भी अनुभव पूछा, तो कैसा लगा तुमको? तो ऐसे करके अमृतसर से दिल्ली तक का रास्ता पूरा हुआ। कमला नगर का सेंटर था, कमला नगर में 2-3 दिन रहना हुआ दादी के साथ। फिर दादी मधुबन गई, तो मैं दादी साथ मधुबन चली गई। जब मैं मधुबन में गई, तो दादी ने कहा, बाबा मैंने काम पूरा किया,
आपने मुझे कहा ला के दो, अभी आपके हवाले, बाबा के कमरे में छोड़ दिया मुझे। तो फिर बाबा ने रहने करने का लच्छू दादी से कहके प्रबंध किया। फिर वहाँ से दादी जानकी फ्री हो गई, तो बाबा के कमरे में फिर बाबा ने पूछा, फिर रहे, फिर बाबा से मिलते रहे दूसरे दिन, तीसरे दिन। और तो मम्मा उस समय नहीं थी, बम्बई में थी, तो बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची तुम क्या करेंगी यहाँ पर? हमने कहा बाबा आप बताइए क्या करना है। तो कहा कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ मेरी सेवा करनी है। क्या? मेरा स्नान का 2 बाल्टी पानी ला के रखना, एक ठंडा एक गर्म, और मेरे रूम की साफ सफाई कर देनी, झाड़ू वगैरह, और विश्व की बादशाही तेरी। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सौदा है, विश्व की बादशाही मिल जाएगी झाड़ू पोछा लगा के 2 बाल्टी पानी दे के। तो मैं एक गर्म बाल्टी का पानी ला के देती थी जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है। तो जो बाबा का रूम है पांडव भवन में, उसके 3 हिस्से थे, बिना पार्टीशन 3 हिस्से थे। जहाँ भाइयों का सोफ़ा है वहाँ जो है बाबा का स्नान की जगह थी, और जो दीवार है उसमें अलमारी थी, तो फल और टोली उसी अलमारी में रखी जाती थी। तब इतने तो होते ही नहीं थे कि डेढ़ डेढ़ टोकरा आ रहा, ज़्यादा टोलियाँ आ रही, जो सेंटरों से दादियाँ बहने जाती थी वही ले जाती थी, तो उसमें वो होता था। और जहाँ गद्दी है बाबा की शुरू से वहीं थी, और जो बाबा का पलंग है वो बाबा का पलंग था, बस इतना ही था। तो एक पानी ला के देते थे, एक ठंडा पानी। अब आप कहेंगे बाबा फिर लैट्रिन कहाँ जाते थे? तब कंबाइंड या ये सुविधा कुछ नहीं थी। जिसके अंदर त्रिलोकीनाथ है, जो जगत का पिता भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा है, तो गेट है उधर टाट की बनी थी लैट्रिन, 4 बांस गाड़ के जूट की पल्लियाँ बांध दी थी और बांस में कुंडी लगा दी थी, और वहाँ पर जो है ना बाबा जाते थे सर्दी गर्मी बरसात। और ऐसे हम बहनों के लिए भी भाइयों के लिए भी जिधर भंडारा बना है उधर नहाने का बना था, तो वो जूट का ही बाथरूम था, केवल फर्श इतना सीमेंटेड कर दिया था जहाँ हम लोग नहाते थे। तो इस तरह से उस समय तो बेगरी पार्ट था, तो बाबा का पानी भरते थे। और कभी कभी ठंडे पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, और पानी बहुत कम, पहाड़ों पे सप्लाई कम नगर पालिका की, तो पीछे जब पार्टियाँ जाती थी तो बाबा हर बार सियाफ करते थे। कभी आप लोग गए होंगे तो एक बरगद का पेड़ देखा होगा बैक साइड में ढलान से उतर करके, तो वो जो बरगद का पेड़ वहाँ तक बाबा जाते थे, वहीं से रुमाल हिला के सबको विदाई देते थे। और जब तक पार्टी को बाबा दिखता था तब तक बाबा खड़े रहते थे, सब मुड़ मुड़ के बाबा को देखते रहते थे। तो वहाँ एक लॉन है, हाता है, उस हाते में बाउंड्री के अंदर कुआं था, तो मेरी नज़र पड़ गई, और कुएं पे बाल्टी डोरी सब कुछ था। तो मैं वहाँ से पानी भर करके एक बाल्टी ले आती थी बाबा के लिए, और रास्ता बड़ा वैसा था उबड़ खाबड़ पथरीला, तो इतना संभाल के लाती थी कि बाबा का पानी छलके नहीं, और अगर छलक के कम हो गया तो दूसरी बाल्टी फिर कुएं से भर के लाती थी रस्सी से। तो ये बाबा के लिए हमने कि हम मना बाबा को कोई कमी ना पड़नी चाहिए पानी की, तो वहाँ से भी समय पे ला के दिया है। तो धीरे धीरे ऐसे बाबा जब नाश्ता करते थे भोजन करते थे तो गिट्टी कहते हैं तो बुलाते थे आओ, क्योंकि हमारा और कहीं सारा दिन ठिकाने नहीं, वही कमरा ठिकाना था। तो बाबा मुझे अपने हाथ से कौर जिसको कहते अपने यहाँ ग्रास कहते तो गिट्टी खिला देते थे, तो 3 टाइम मुझे बाबा के हाथ से गिट्टी खाने को मिल जाती थी। तो भगवान के हाथ से खाने को मिल रहा और क्या चाहिए, भगवान खिला रहा है। कभी कभी बाबा खेल पाल भी कर लेते थे, जैसे मैं झुक के झाड़ू लगाती थी तो मेरे बाल बड़े लंबे थे छोटी थी, तो पकड़ के घोड़ी चल टिक टिक कर देते थे, बना जैसे बाबा का बहुरूपी। और कभी कभी फिर मुझे भी मस्ती चढ़ती थी, तो जब बाबा रात को क्लास करा के लौटते थे तो बाबा के पलंग की चादर नीचे तक लटकती, अभी भी आप ध्यान देंगे, तो मैं पहले से पलंग के नीचे छिप जाती थी। और जब बाबा पैर लटका के बैठते थे तो मैं जरा सी उंगली लगा देती थी, तो बाबा कहे लच्छू देखो चूहिया है क्या, ये बार बार कोई चूहिया मुझे आके टकराती है। तो बाबा का बाबा चूहिया तो इस कमरे में है ही नहीं। कहा नहीं देखो, तो कहा वो बैठी है विद्या आपकी लाडली, बाबा वही सब कर रही उंगली लगा रही आपको। तो बाबा ने हाथ पकड़ के खींचा, कहा क्यों?
तो मैंने कहा बाबा सब पार्टी आती है, आप सबको प्यार से गोद में बिठाते हैं, हम घर में रह जाते हैं। तो कहा सीधा कहती ना, ये सब करने का क्या था। फिर बाबा ने बहुत प्यार किया। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा, महीने तक कुछ भी देखने नहीं गए, ना दिलवाड़ा मंदिर कुछ। अपनी तरफ से पार्टी आती थी, वो घूम के आते थे, हमने कोई इच्छा बाबा तुमने अचलगढ़ देखा है, नहीं बाबा अधर देवी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर तो कहा अच्छा बच्ची ऐसा करो कि तुमको 3 दिन में सब घूम लेना है। तो ये हमारे जो ओम प्रकाश भाई ट्रांसपोर्ट में थे, ओम प्रकाश भाई तब दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, तो जून महीना में इनको छुट्टी मिल गई। तो कहा ये ओम प्रकाश बच्चा ले जाएगा, आपको घुमा के लाएगा। तो बाबा भी देखो नहीं तो कहेंगे कुमार एक कुमारी को घुमाने जा रहा है। वो भी बाबा जानते हैं हर एक का कि कौन निर्मल है कौन दिल का साफ है। तो ओम प्रकाश के साथ भेज दिया बाबा ने। तो कभी एक पहाड़ी पे कभी दूसरी जगह, एक ही पैदल चलना होता था। दिलवाड़ा मंदिर गए तो पैदल, दूसरे दिन अचलगढ़ गए तो पैदल, गुरु शिखर गए तो पैदल, और एक शिकारी पहाड़ी है जंगल है हंटिंग वाले वहाँ चढ़े तो पैदल। तो कहने का मतलब उन्होंने हमें ओम प्रकाश भाई ने सब एक ही बार में दिखा दिया। उसके बाद में हम पहले दिन जब गए थे तो वहाँ पहाड़ों पे चेरी थी जिसको बड़े करौंदे कहते हैं, बहुत मीठे। तो पत्तल लिया, दोना बनाया, उन्हीं कांटों से दोना बना करके तोड़ तोड़ के ले आए। तो जब हम बाबा के पास आए शाम को मिले तो बाबा ने कहा बच्ची क्या क्या देखा तुमने। तो बता देते थे बाबा ये देखा। तो बाबा ने कहा बच्ची तो तुम दिलवाड़ा मंदिर देखने गई, वहाँ गई तो कुछ भी नहीं ले आई, कुछ नहीं ले आई। मैंने कहा बाबा वहाँ पे चेरी लाए थे तोड़ के पहाड़ों से, कहाँ लाओ। बाबा तो हम लोगों ने खा लिया। अब बाबा यहाँ से शिक्षक बन के शिक्षा दे रहे हैं। कहा बच्ची ला कहता है कि जिसने तुमको घूमने के लिए भेजा उसको पहले आके समाचार सुनाओ क्या क्या देख के आए, और जो कुछ ले आए तो बाप को दिखाना चाहिए, भले चेरी ले आई। तो बाबा तो सारे विश्व की बादशाही बच्चों के आगे ओपन कर देता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी बच्चों को देंगे, और मेरे बच्चे ऐसे हैं जो चेरी ले आए वो भी नहीं दिखाया। तो फिर वहाँ से एकदम से दिल में छाप लग गई कि नहीं ये बात सच है कि कहीं घूमने भेजा बाबा ने मुझे, तो लौट के आके मुझे समाचार सुनाना या जो कुछ लाए दिखाना। तो उस दिन से हमारे लाइफ के लिए ये पक्का पाठ हो गया, कभी नहीं भूला, कहीं भी रहे किसी भी सेंटर में रहे जो लाए दिखाना है। यहाँ तक कि चाहे मैं दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास कहाँ भी गई हूँ, मार्केटिंग करके आई हूँ, वहाँ की बड़ी बहन जी को तब तो दादियाँ होती थी, सब खोल के दिखाते थे कि देखो ये खरीद के लाए है, नहीं नहीं रखो 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 नहीं आप देखिए पहले। अगर वो नेपाल में भी राज बहन को दिखाया जब खरीदारी करके आए, नेपाल वाली बहन ने कहा क्या देखना रखो ना, हमने कहा नहीं मेरा दिखाने का दो मतलब है कि पहले तो देखो हम चीज़ ठीक लाए हैं, दूसरा ये देखो कि हम ठग के तो नहीं आए, ठगा करके अपने को, क्योंकि हर एक का होता है। हालांकि एक बहन उन्होंने हमको दी थी साथ में। तो हम कहीं भी कोई बात तब से वो जो ना बताने की ना छिपाने को तो ख़त्म हो गई लाइफ से। तो बाबा की ये पहली सीख मिली। फिर एक दिन झाड़ू लगा रहे थे बाबा कमरे में, पूरा हो गया तो बाबा पत्र लिख रहे थे, तो पत्र को एक मक्खी बाबा को तंग कर रही थी। तो मक्खी जब बाबा ने कहा बच्ची वो एक प्लास्टिक का वो था उससे मारो, इस मक्खी को मारो बहुत तंग कर रही, पत्र नहीं लिखने दे रही है। तो जो मैंने उसको पक्षी से मारा और सुपड़ी में रख के फेंकने चली, बाबा ने कहा रही बच्ची क्या कर रही है। मैंने कहा बाबा फेंकने जा रहा। कहा नहीं नहीं वो ले आओ, ये मक्खी बड़े काम की है, बड़ी सर्विसें भी ले। आप सोच सकते हैं कि मरी मक्खी क्या सेवा करेगी। कहा नहीं नहीं बच्ची मुझे दो। तो बाबा जो पत्र लिख रहे थे जिस सेवा केंद्र के लिए, वहाँ सेवा उस समय उस ज़माने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उस पत्र में बाबा ने मक्खी को पोस्ट कर दिया और एक लाइन नोट करके बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सेवा इतनी ठंडी है तो तू क्या दिन भर बैठे बैठे मक्खी मारती है।
क्यों तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पा रही है, क्यों नहीं सेंटर हरा भरा हो रहा है। तो वो जो मक्खी भेजी तो कहते हैं, कहे लड़की को सीखे बहू। मेरे दिमाग में बैठ गया कि बाबा कहते तुम्हें सेवा में भेजेंगे, अगर बाबा मुझे सेवा में भेजेंगे तो मुझे कहीं मक्खी ना भेज दे, मेरी तोहीन ही ना हो जाए जो काम हमसे करा रहे हैं बाबा। तो उससे हमारे अंदर इतनी मतलब जागृति आ गई कि वो दिन नहीं आने देंगे जो बाबा कहे सुस्त हो तुम, या तुम ढीली हो ठंडी हो। तो एक तो देखो मेरा भला कर दिया उस मक्खी ने, दूसरा जब बहन ने पोस्ट खोला जिस सेंटर पे, तो उसको ताकत आ गई कि आज ये हालत है, बाबा ने मुझे मरी मक्की भेजी है, तो मैं अब सेवा करके दिखाऊंगी। उसका सेंटर हरा भरा हो गया। तो मरी मक्खी ने दो की सेवा की। तो बाबा कैसे के जिसको कहते ना बहुरूपी है, रामजुबाज है, बाबा किससे कहाँ सेवा ले। फिर एक दिन बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों में, क्लास में ही बोला, मेरे बच्चों में बॉडी कॉन्शियस बहुत है, देह अभिमान है। और उस समय हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ गई थी, तो नींव पड़ी थी तो पत्थर तोड़े जा रहे थे और कुछ दीवारें भी उठ गई थी, तो रोड़ी कंकड़ी चाहिए। बाबा ने कहा अगर दे अभिमान नहीं तो पत्थर तोड़ के दिखाएं तो मैं समझूं दे अभिमान टूटा। सबसे पहले मैंने फॉलो किया, क्लास पूरी हुई और मैंने जा कर के हैमर लेके पत्थर तोड़ना, गिट्टी तोड़ना शुरू किया। कहाँ से बाबा फरिश्ते की तरह पहुँच गए, पीछे दोनों हाथ किए कमर के पीछे खड़े, एकदम से लगा तो कोई आया आठ मिली, मुड़ के देखा तो बाबा, एकदम बाबा का समझ लो ऑफिशियल रूप था, बहुत ऑफिशियल रूप था, जो प्रेम के सागर थे, प्रेम मुहूर्त, बहुत ऑफिशियल रूप लग रहा था कि सीरियस एकदम बाबा। बहने का बची है क्या? तो हमने कहा बाबा आपने तो कहा है कि रोड़ी तोड़ेंगे अभिमान होगा तो नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा पहली बात तो तुमने पोजीशन को देखा, त्रिलोकी नाथ की बच्चे और भीलों के साथ आकर के कंकड़ी रोड़ी तोड़ रहे हैं, तो तुमने तो उनके साथ में अपने को जोड़ लिया, तो तुम्हें अपना सम्मान पहले रखना चाहिए, सम्मान में टिको। अगर ऐसे ही पत्थर तोड़ के दे अभिमान चला जाए तो इन सबका तो पहले चला जाता जो तोड़ रहे हैं, ये सब आत्म अभिमानी बन जाते। तो माना कोई भी काम करो तो बैलेंस बना के करो, पहले अपने आत्मिक स्थिति में सम्मान में टिको, उसके बाद में कर्म करो। तो ये दूसरी शिक्षा मिली। तीसरी शिक्षा, एक दिन जब बाबा के कमरे से निकले, बाबा भी बाहर टहलने के लिए निकले मेरा हाथ पकड़ के, तो क्लास के बाद रोज़ बाबा कहीं ना कहीं मेरा हाथ पकड़ के चले जाते थे लेक तक, कभी किसी उधर पहाड़ी पे, कभी कहीं लेक तक ढलान तक, फिर लौट के आते थे तब नाश्ता कर। तो बाबा को बाहर गेट के आगे तक जाना था, तो बाहर का कुत्ता आ गया अंदर। बाबा ने बोला बच्ची इसको भगाओ। तो मैंने कहा बाबा क्यों भगाएं, पांडवों ने कुत्ता पाला, अब भी पाल लीजिए, जैसी बचकानी बुद्धि छोटी आयु। तो बाबा ने कहा कि पांडवों ने ये कुत्ता नहीं पाला था, मेरे जो बच्चे हैं ना वो उससे कम नहीं है, जो गॉड के बच्चे थे, जो जीओडी के बच्चे थे, वो उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, डीओजी, वो उनके संस्कार आ गए हैं। बच्चे मेरे ईमानदार हैं, वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन पुराने जो जन्मों के संस्कार है ना वो उसकी पूंछ की तरह है, जैसे कहते ना 6 मास भी नली में डालो तो नहीं सूता होगा, अभी मेरे बच्चों के संस्कार पूरे सुधरे नहीं हैं। तो वो कुत्ते पाले थे पांडवों ने, ये कुत्ता नहीं पाला था, तो बाबा के पास भी पले हुए हैं। तो समझ में आ गया कि कौन सा संस्कार और कौन सी पूंछ को सीधा रखना है। फिर ऐसे चलता रहा रोज़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। तो एक दिन क्लास में बाबा ने कहीं से पेड़ आया था, तो बहुत थोड़े लोग थे बाबा के बच्चे, तो बाबा रोज़ जो है ना टोली क्लास के बाद अपने हाथ से उठ के जाके सबको एक एक देते थे, अकेले नहीं, जहाँ जो बैठा बाबा खुद देखते थे, और कहीं कोई फ़ोटो देखी भी होगी बाबा लिए पॉट लेके दे रहे सबको। तो उस दिन बाबा ने कहा
भाइयों तरफ और बहनों तरफ, कि एक तरफ से भाई आए, एक तरफ से कोई बहन आए, आज वो सभा को टोली बांटे। तो बड़ी खुशी में जो ज़्यादा जिसको रहती वो आगे आ गए, और एक बहन आई, तो जब यहाँ तक आई तो बाबा ने कहा ठहरो बच्ची, ठहरो बच्चे। तो बाबा ने कहा कि टोली वो बांटे, 6 महीना से रोई तो नहीं हो, अगर 6 महीने से आंसू नहीं बहाया तो टोली को हाथ लगाना। और भाइयों की कमजोरी जोश आवेश गुस्सा कर लेते हैं, तो भाइयों से पूछा कि 6 महीने से अगर ये जोश आवेश क्रोध ना आया हो तो तुम टोली बांटना। दोनों वहीं खंभे तरह खड़े हो गए, आगे ना बढ़े ना हाथ बढ़ा। फिर सब जाके बैठ गए, बाबा ने कहा बैठो बच्चे, अब बाबा कैसे बांटेगा बुला के। फिर बाबा खुद उठ के जाए बांटने, तो बाबा ने फिर क्या किया, फेंकना शुरू किया पेड़ा। और तब जमीन होती थी, सब बैठते थे, हम आगे बैठे, हम छोटे दौड़ दौड़ के हमने 5 पेड़े ले लिए, इधर गिरे तो उठा लें, उधर गिरे तो उठा लें, कैश कर लें। हो गया ठीक है। फिर बाबा ने मुझे बुलाया, कहा बच्ची कितना पेड़ा लिया है। हम इतने खुशी के मारे बोले, बाबा 5 पेड़े लिए हैं। बाबा कहता, बच्ची तुमने सोचा कि जितने भाई बहन बैठे थे तुम्हारे, उतना गिनती का पेड़ा था, तो ये 4 पेड़ा तो तुमने दूसरों का हक मारा है। हमने कहा बाबा आपने लुटाया, हमने लूटा। कहा लेकिन कायदा कहता है कि 4 पेड़े लाके बाबा के पॉट में आगे छोड़ दो, जिसको नहीं मिला वो लेगा। फिर मैंने 4 पेड़े बाबा के उसमें रख दिया डोंगे में, और 1 पेड़ा खाया। तो उस दिन से ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं, हमारा सब परिवार है, सबका बराबर का हक है, किसी के हक का कोई भी नहीं। तो इस तरह से मना, ये छोटी छोटी बातों में बाबा से सीख मिलती गई और जीवन में धारणा बनती गई। पेड़े की बात आई तो ऐसे बाबा ने एक दिन क्लास में पूछा, जो पार्टियाँ आई थी, घर वालों से तो नहीं, तब रिफाइंड तेल वगैरह नहीं चलता था, डालडा चलता था। बाबा ने कहा कौन बच्चे हैं जो देसी घी का खाना अपने घरों में खाते हैं। तो 2-3 ने हाथ उठाया। अब बाबा ने पूछ तो लिया, लेकिन यज्ञ में इतना प्रबंध भी तो हो ना, जो देसी घी का बनवा के दे उनको, और जो बन रहा भंडारे में सभी खा रहे हैं। तो फिर बाबा ने दूसरे दिन, पता है मुरली चलाई, एक पेपर था ये भी सबका, बाबा ने कहा बच्चे योग बल से कलयुग की दुनिया को सतयुगी बना सकते हैं, नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं, दुनिया बदल सकते, तो योग बल से डालडा घी को देसी घी का रूप नहीं कर सकते। तो भावना रखो, हम क्या ले रहे हैं, जैसी भावना होगी वैसा तुम्हें तंदुरुस्ती बनेगी। तो ये भी समझ में आया कि बाबा के आगे सेकी नहीं बगारनी है, कि बाबा हम देसी घी का खाते हैं, और जिन्होंने बोला था वो बेचारे तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो इस तरह बाबा बीच में पेपर लेते। फिर एक दिन मेरा भी पेपर आया, तो अमृतसर से एक भाई ने साड़ियों का काम किया था, तो सिल्क की साड़ियाँ, आर्टिफिशियल सिल्क की। तो उन्होंने जब सेवा शुरू किया, बिजनेस किया, तो बाबा के पास एक गांठ भेज दिया। होता ना पहले हम यज्ञ में भेजें, तो लच्छू दादी थी, संतरी दादी थी, स्टॉक संतरी दादी संभालती थी। तो बाबा ने कहा खोलो, तो हम 4 लोग थे, लच्छू दादी, संतरी दादी, बाबा और मैं। तो एक एक साड़ी उठाते जाते थे, बच्ची ये तुम ले लो, तो मैं कहती थी नहीं नहीं, हर साड़ी को नहीं, बाबा हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि बाबा शायद देख रहा है कि इसकी कितनी अभी आसक्ति है कलर कपड़े में या अच्छी अच्छी साड़ियों में। तो मैंने सब साड़ी लेना बोल दिया एक एक करके। तो लास्ट एक बाबा ने बहुत अच्छी सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी और गोल्डन बॉर्डर, 4 इंच का बॉर्डर था, बहुत सुंदर साड़ी, और उसको केवल पूछा नहीं, बच्ची ये ले लो। बाबा ने जैसे गिफ्ट देते ना, 2 हाथ में रख के ऐसे फोल्ड की हुई, बच्ची ये लो। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं लूँगी। फिर बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, ये तो गुरु का पखर है, सतगुरु का। तो पखर मना वस्त्र चोला जैसे को नहीं गुरु लोग दे देते हैं। तभी मैंने ना बोला, संतरी दादी ने मुझे आँख दिखाई, कहा तुम बाबा की बात को कैच कर रही हो, बाबा क्या कह रहा है कि सतगुरु का पखर है, और बच्ची इससे तुम्हें कभी भी वस्त्र की जीवन में कमी नहीं आएगी,
जब उन्होंने कहा लो उसी प्यार से लो, सतगुरु के रूप में बाबा देख रहा है, तुमको वरदान के रूप में दे रहा है, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने भी उसी भावना से लिया कि बाबा जो है परम शिक्षक भी है तो परम सतगुरु भी है, वो मैंने लिया तो सतगुरु का रूप देखा। अब लेने के बाद में बाबा मुझसे पूछते हैं कि बच्ची कहाँ पहनोगी, रंगीन साड़ी कहाँ पहनोगी, यहाँ भी विजिटर्स आते रहते हैं घूमने, वो भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, तो बाहर के विजिटर्स आते हैं, अगर सेंटर में जाओगी तो वहाँ भाई बहन स्टूडेंट के आगे नहीं पहन सकोगी, तो कहाँ पहनोगी। मैंने कहा बाबा फिर कहाँ पहने, तो जो बाबा ने कहा था कि सिर्फ मेरे रूम की सफाई करना और कुछ ना करना, बाबा को मेरे से सेवा लेनी है धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप। तो उस समय जो चूल्हा था वो इतना ऊंचा लकड़े का, इतने लोगों का भोजन, बड़ा बड़ा तांबे का पतीला चढ़ता था, तो बड़े बड़े चैला लकड़ियाँ लगाई जाती थी, और एक मटके में पीली मट्टी होती थी और कपड़ा होता था, वो पोता लगाया जाता था चूल्हे को, जो काला हो जाता पूरा प्लेटफॉर्म मिट्टी से पोतते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची एक काम करो, सवेरे अमृत वेले योग के बाद में तुम जाना और कल से चूल्हा पोतना ये साड़ी पहन के। वो चूल्हा भी मेरे इतना ऊंचा, हाथ उठा उठा के पोछना है तो अब बड़ा मुश्किल हो, साड़ी इतनी कीमती है कि उसको देख करके कसक लग रही है, लेकिन बाबा ने कहा कि रोज़ सवेरे यही साड़ी पहनना और यही पहन के चूल्हा पोतना। इतनी सावधानी से जैसे अर्जुन को मछली की आँख में तीर मारना हो, मेरा फुल अटेंशन कि एक बूंद मिट्टी इसके ऊपर टपक ना जाए चूल्हे वाली। और मैंने इतनी सफाई से काम किया कि मेरी साड़ी में एक दाग नहीं लगा, एक दिन नहीं 3 महीना। उससे मेरी यह प्रैक्टिस हो गई, कितना भी बड़ा किचन भंडारा हजारों का संभाला लेकिन मेरे कपड़े में हल्दी तेल का दाग नहीं लगा। मैंने आज तक कभी एप्रिन पहना नहीं, अभी भी ज़रूरत पड़ती तो भंडारे में सब कर लेती, मेरी साड़ी में दाग नहीं लगता। और हमारी बहनें घुसते पहले चोंगा पहनेंगी, फीता बांधेंगी। तो बाबा ने मतलब इतना ट्रेंड कर दिया कि किसी हालत में किसी कीमत पे कहीं भी हो तो वो एक ही साड़ी अगर हो, और कोई विजिटर आ जाए तो पता चला कि खाना बनाने वाली साड़ी से मिल ही नहीं सकते उससे हम, मना इतना बाबा ने ट्रेंड कर दिया, सिखा दिया। तो मेरा काम भी हो गया आगे, मेरे से बाबा धीरे धीरे काम ले रहे। अब एक दिन बाबा ने कहा देखो बच्ची तुमको सब कुछ आता है, तो हम बुद्धू राम, मैंने कह दिया हाँ बाबा हमको सब कुछ आता है, क्या क्या बना लेती। मैंने कहा मैं सब कुछ बना लेती हूँ। बाबा ने कहा अच्छा आज बच्चों के लिए तुम सिलबट्टा पे दाल पीस के दही बड़ा बनाना। अरे पहला दही बड़ा मेरा, कभी घर में छुआ भी नहीं था। फिर बाबा ने अच्छा बाबा ने भी कह दिया तथास्तु। हमने कहा हमको सब काम आता है, हम सब जानते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बाबा ने कह दिया, हम ही ने भिगोया, हम ही ने पीसा, हम ही ने सब किया, पर बाबा का जो वरदान था मैं दही बड़ा में पास हो गई। जिस जिसने खाया, जो पार्टी आई थी, बहुत सुंदर मूंग के दाल का दही बड़ा बना। तो पहला मेरा वहीं से शुरू हुआ दही बड़ा बनाना, तो वो हम पास हो गए। तो इस तरह से बाबा के एक बार फिर बाबा का पिता का रूप कैसे है, शिक्षक का देखा, सतगुरु का देखा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को 10:30 बजे बाहर लान में बाबा के कमरे के बैक साइड जो है ना दरवाज़ा जहाँ से आप लोग प्रवेश करते, वहाँ पर मैं चक्कर लगा रही थी, तब सीमेंटेड नहीं था, पथरीली जगह थी। तो बाबा रात को निकल पड़े, मुझे डर लगा कहेंगे सब तो अपने अपने रूम में सो रहे हैं, ये क्या कर रही। और रूम भी कोई ज़्यादा नहीं था, जो बाबा का रूम है उसके पीछे जो है उसी हॉल में 8-10 खटिया थी, हम 10 बहनें रहती थी, जिसमें सती भोली दादी, भोली दादी लक्ष्मण मना सब उसी में रहते थे, उसी में खटिया हमें मिली थी। तो फिर हमको डर लगा कि बाबा कहेंगे ये कमरे से बाहर रात को क्यों चक्कर लगा रही, अंदर धड़कन थी। तो बाबा ने पूछा तो दबी जबान से हमने कहा बाबा अंदर गर्मी लग रही थी, पंखा वगैरह नहीं था और मच्छर भी काट रहे थे। इतना मेरा कहना, तो तब वो चट्टी पहनते थे जिसको चाकड़ी कहते, कड़ाऊ नहीं पट्टे वाली, हम सब लोग पहनते थे। तो वहाँ ने कहा बच्ची ये मेरी चाकड़ी अंदर रखे और मेरा चप्पल उठा लाओ, मेरे जान में जान आ गई।
कि डांट नहीं पड़ेगी। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के इधर देखा, जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है उधर देखा, जहाँ टोली डिपार्टमेंट, सब जगह बाबा ने रात को देखा। देखने के बाद बाबा ने कहा, बच्ची सबसे सेफ जगह तो मेरे गेट के बाहर है, कल तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, मक्की और गर्मी कुछ नहीं तरगा। तो हम सोच ही नहीं पाए क्या मेरा इंतजाम करेंगे। तो हिस्ट्री हाल की दीवारों में चौखट खिड़कियों के फिट हो रहे थे, चुनाई में साथ में फिट कर देते हैं। तो बाबा ने क्लास के बाद में, इलाहाबाद के एक भाई थे रविदत्त भाई, वो इस कार्य को देख रहे थे, तो कहा, रविदत्त ऐसा करो, मेरे बच्ची को जो ना गर्मी लगती है, तुम ये सब छोड़ दो, कारपेंटर से पहले तो चार पहिया बनाओ। और बांस काट करके पलंग बनाया, खटिया, और निवाड़ का पट्टा है उसे खटिया बनेगी, और जो टेंट रखा है ना उसको लगा दो यहाँ पे, छोटा सा 18x18 का टेंट था, मेरे गेट के आगे लगा दो। तो शाम तक टेंट लगा और खटिया बनी, खिड़की दरवाजे नहीं बनाए गए रहे। तो सब कहें, वाह बड़ी राजकुमारी जी हैं, सब काम बंद होकर इनका काम हो रहा है। और मुझे भी नशा था कि देखो बाबा मेरे लिए प्रबंध कर रहे हैं। और बाबा ने जब रात को सोए तो बाबा ने आके कहा, बच्ची डरना नहीं, बाबा से ही सोता है, जब कोई बात हो तो एक्शन करके दिखाया। बड़े जोर से कहना, बाबा मैं आ जाऊँगा, तुम डरना नहीं। तो बाबा फिर चक्कर लगाने, उसके बाद तो हिस्ट्री हॉल भी बन गया, हिस्ट्री हॉल बनता रहा। और शायद वो है उधर का जो शांति स्तंभ के सामने वाला ट्रेनिंग सेंटर, तो वो बन गया था कमरा नीचे का 4-5। तो जो पार्टियां आई थी उसी में सोती थी, पहले तो किराए का मकान लिया जाता था, तो उसमें ऐसे करते थे कि एक की तकिया इधर, एक की इधर, और दोनों के पांव एक तरफ, ये बीच में जैसे पट्टी है, और हर एक अपने सिर के पास ही अपनी अटैची पेटी रखता था। वो जगह नहीं थी कि यहाँ रख ले काउंटर है या, तो सिर के नीचे तकिया, तकिया के साथ अपनी अटैची पेटी, खड़ी करके खोलना है तो गिरा के खोलो फिर खड़ी कर दो। तो रात को बाबा उसमें पैन में कच्चे कोयले की आग और ये धूप दीप, जिसमें चंदन का बुरादा, गूगल, लोबान, ये सब मिक्स, तो बाबा उसको सुलगा के सब जगह धुआं करते थे कमरे में शुद्धिकरण। तो मुझे ले जाते थे बाबा, साथ जाते थे। तो करीब करीब बहुत लोग सोए हुए थे, कोई जगे हुए होते थे, तो मैं सारे कमरे में घुमा के फिर निकल आती थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमने कुछ चेक किया? मेरा काम था धुआं देना, मैंने दे दिया धूप दीप। कहा, देखो ये इनमें से तीन प्रकार के लोग हैं, एक तो तमोगुणी नींद में सो रहे हैं, दूसरा रजोगुणी नींद में सो रहा, और तीसरा सतोगुणी। तो सतो रजो तमो तीन की नींद है इसमें। फिर बाबा ने पहचान बताई कि जो सोते समय से लग रहा ना बड़ा सरल चित्त है, निश्चिंत है, रिलैक्स है, एक योगी जीवन है, ये सतोगुणी नींद है। और जिसके चेहरे से कुछ वैसा था, बाबा कह, रजोगुणी नींद है। और जिसका सिर एक तरफ है, हाथ एक तरफ है, टांग दूसरी तरफ है, तो बाबा कह, ये पक्का तमोगुणी है, इसके संस्कार तमोगुणी है, इसकी विचारधारा, इसके थॉट्स तमोगुणी है, ये अभी सतोगुण तक नहीं पहुँचा है। तो सतोगुण माना ही सातों सत्य गुण, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, विचार भी शुद्ध। तो बाबा ने ये पहचान बता दी कि सोना है तो वहाँ एक सीख वहाँ मिल गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची और कुछ तुमने चेक किया? सबके पांव देखो। तो किसी के पांव तो बिल्कुल साफ, किसी के कम साफ, किसी का एकदम गंदा तलवे। उनका बच्ची इसका असर मस्तिष्क पे पड़ता है, और ब्राह्मणों के तो चरण का, संतों के तो चरण की महिमा है, कहते हैं आप मेरे घर में आए अपना चरण घुमाएं, संतों के चरण धो धो के लोग पीते हैं, तो चरण कमल कहा गया है। तो ये इसका पांव देखो, मैं आगे मेरा पांव गंदा ना होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पांव को चाहे 4 बार साफ करना पड़े, तो पांव के रेखाओं में, तलवे में गंदगी ना हो। वो बाबा ने एक सफाई सिखा दी, कहा नहीं कि तुम अपने पैर साफ करो, लेकिन चूंकि ऐसा है तो धीरे 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 वो भी काम करते रहे। तो एक एक बात बाबा सिखाते रहे, बताते रहे, घुमाते रहे, सोना है तो कैसे, उठना है तो कैसे। फिर एक दिन मैं थी, 2-3 बहनें और कुमारियां दिल्ली की थी,
तो जहाँ वो टेंट लगवाया था बाबा ने, तो वहाँ खाट पर जो है विश्वरतन दादा, हम चारों एक ही खटिया बैठे थे, कुर्सियाँ तो होती नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा कि दादा हमको पाकिस्तान का कराची का सब सुनाइए इतिहास। तो विश्वरतन दादा सुना रहे थे और हम तीन चार बहनें बैठी थी। रात को बाबा निकले तो कहा बच्ची, क्योंकि मैं हर समय बाबा कमरे में होती थी तो मेरे पे ही बाबा का अधिकार रहता था, बच्ची खाट ढीली है इसको कसना है। तो मैंने कहा जी बाबा कल कर लेंगे, क्योंकि सुनने में मज़ा आ रहा लगा कि सुने इतिहास पूरा। तो बाबा ने कहा उतरो नीचे, बच्ची कल का दिन काल का दिन होता है, कल का दिन अपने हाथ में नहीं होता है, कभी ना सोचना काल करे सो आज, आज करे सो अब, इसलिए तुरंत करना है, कल के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम सबको तो उतार दिया और बाबा ने रेनेवाड़ का पट्टा खींचना, इतनी उम्र में पैर लगाया कि इतना करके, भगवान कर्म करके सिखाते हैं कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के दूसरे करेंगे, तो बाबा ने करके सिखाया। तो जब बाबा का पैर लगा के पट्टा खींचना नेवाड़ का, तो फिर तो हम ही ने किया और लोगों ने किया, विश्वरतन दादा थे। लेकिन उस दिन से ये दिमाग में एकदम फीड हो गया कि कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना है, और मेरी याददाश्त में मैंने कोई भी काम कल के नहीं छोड़ा होगा। चाहे जितना सफ़र करके भी आए होंगे, कितने दूर दूर से आए होंगे, मेरी ट्रेनें लेट 4 घंटा 8 घंटा आई होंगी, लेकिन मैंने वो कपड़ा भी बिना धोए साफ के खाना नहीं खाया है कि रह दो बहुत थक गए हैं, ट्रेन 8 घंटा लेट आई है, आज हम आराम कर लें। नहीं, कल के ऊपर मुझे नहीं छोड़ना है, कोई भी काम है वो कल के ऊपर नहीं छोड़ा, आज वाला आज ही फिनिश करना है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कहीं आना हो कहीं जाना हो। तो एक तो मेरी एक्यूरेसी आ गई कि मुझे कल के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ना है। और जब मैं समर्पित हुई तो मेरे दोनों भाई भी पहुंच गए, छोटा शिव भाई 12 साल का था, जमुना प्रसाद भाई 15 साल के थे, तो लखनऊ में पढ़ते थे। तो बाबा की एक मुरली चली कि बच्चे विनाश जल्दी होगा, सतयुग आने वाला, लंगन पढ़ाई छोड़ दी। दोनों पढ़ाई छोड़ छोड़ के जब जून महीना में चले आए, कहा कि अब तो पेपर दे दिया जो देना था, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम जाएंगे बाबा के पास रहेंगे, विनाश होने वाला है। अच्छा, दोनों चले गए, बिठा दिया कानपुर उतर गए, कानपुर वाले ने बिठा दिया दिल्ली उतर गए, दिल्ली ने बिठा दिया अब उतर गए। तो बाबा ने बहुत प्यार किया, उन्होंने कहा बच्चू तुम क्या सेवा करेंगे बाबा बताइए। तो पहले तो बाबा ने कहा था तुम मम्मा के कमरे का कुछ कर दो, छोटा मोटा काम कर देते थे। फिर उसमें क्या था कि जानी जाननहार जाने, बाबा त्रिकालदर्शी है, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम जो गैया है ना, इसके ऊपर एक ग्वाला रखा हुआ था, तुम इनकी देख रेख करो। तो कहा ठीक है बाबा, गई है तो तुम अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, तो भी उसकी था, उसको ही कह के चला गया कि बाबा को कह देना हम कल से नहीं आएंगे। तो वो आया, बोला बाबा, वो कह गया हम कल से नहीं आएंगे। बाबा एकदम निश्चिंत, बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, बच्चू कहते थे, तुमने देखा कैसे वो गैयों को खिलाता था? कहा हाँ बाबा। तो तुम खिला सकता है? हाँ बाबा। चाहो अब तुम ही उसका काम करो, अब एक 12 साल का बच्चा, इतनी गैयाँ, और सब आप देखेंगे एक जर्सी गैयाँ इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी। तो उसने देना शुरू किया। फिर बाबा ने पूछा कि ठीक से भूसा दिया गैयों को? क्या क्या दिया, क्या क्या खिलाया? तो कहा बाबा जो ज़्यादा दूध देती थी उसको ज़्यादा चूनी दिया है, और जो कम दूध देती थी कम चूनी दिया, जो बिल्कुल नहीं देती उसको सिर्फ भूसा खिलाया है बाबा। बाबा ने कहा नहीं बच्चू, ऐसा नहीं करना है, सबको बराबर देना है। आज जो गाय दूध दे रही है वो भविष्य में दूध नहीं देगी, जो नहीं दे रही वो भविष्य में दूध देगी, तो तुम उसको अभी से कमज़ोर कर दोगे तो भविष्य में दूध क्या देगी, इसलिए बराबर सबको करना है। चलो वो भी उसने किया। फिर कहा अच्छा तुमने दूध निकालना तो देखा ना, जब दूध निकाल लो, इतनी बड़ी बड़ी गाय है, छोटे से हाथ छोटे से अंगूठे कैसे दूध निकाले। तो सारी गैयों का एक छोटी बाल्टी दूध लेके गया। देखो बाबा कैसे जो है ना अप्रिसिएशन करता है, उमंग भरता है, बाबा जाने चलाने का तरीका। बाबा ने बड़े खुशी से कहा रे मम्मा आके तो देखो बच्चा एक बाल्टी दूध निकाल के लाया है, कमाल है बच्चे की, 4 बाल्टी गायब है।
एक बाल्टी में बाबा इतना कह रहे, देखो तो बच्चा कमाल करके लाया। ठीक है, उसका उमंग बढ़ गया, दूसरे दिन दो बाल्टी निकाल लिया। जब दो बाल्टी निकाला तो रास्ता तो बड़ा वैसा था पथरीला, उसको पैर में ठोकर लगी तो मुँह के बल गिर पड़ा, दोनों बाल्टी दो तरफ गिरी। अब वहाँ से आया, रोआसा सा मुँह बनाए, बाबा के लिए भी दूध नहीं बचा और सबको यज्ञ में चाय पानी के लिए भी नहीं। बाबा ने कहा, बाबा समझ गया कुछ है चक्कर, बच्चों क्या बात है, क्या बात है बोलो। बहुत से बोला मायूस होके, बाबा दोनों बाल्टी गिर गई, दूध गिर गया। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे बड़े बड़े जहाज गिर पड़ते हैं, तेरी तो बाल्टी है, तू क्यों अफसोस कर रहा है। फिर मम्मा को बुलाया, कहा मम्मा देखो सतयुग में तो दूध की नदियाँ बहेगी, यहाँ ही अभी बह रही है जो दूध फैला है। धीरे धीरे करता रहा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, धीरे धीरे बच्चों गोबर क्या करते हो। कहा बाबा बाउंड्री के बाहर फेंक देता हूँ, फिर भी लोग ले जाते हैं अपना घर लीप पोत लेते हैं। कहा कि नहीं बच्चे गोबर बहुत काम का है, गोबर आज से फेंकना नहीं इकट्ठा करो, उसका लड्डू बनेगा तो अंगीठी के ऊपर सिगड़ी पे रखने का काम आएगा, फिर उसको जलाएंगे। कहा बाबा मुझे बनाने आता नहीं। और उनका तुम इकट्ठा करो, बाबा सिखाएगा। तो उन दिनों में अपने कानपुर से लोगों से रिटायर दो भाई थे जो यज्ञ में समर्पित हो गए, रहने वाले पंजाब के थे और रिटायरमेंट कानपुर लोगों से लिया था। तो उनको पता था कि रेलवे का कोयला झरिया से कैसे आता है, धनबाद से कैसे आता है। कहा बाबा यहाँ बहुत महंगा पड़ता है कोयला, आप मुझे कहो तो मैं वहाँ से धनबाद से कोयला मंगाऊँ डायरेक्ट खान से। तो आने का भले मंगाओ, तो वो हमारी मालगाड़ी की ट्रेन भर के आती थी बोगी, तो कोयला वो बेलचा से उतार देते हैं, तो जो बोगियों में राख पड़ी होती थी ना कोयले का काली काली, इतने निरहंकारी गुरमुख भाई और खन्ना भाई दोनों, एक झाड़ू लेता था एक तसला, वो बोगी को झाड़ू लगाते थे और वो राख को भर करके लाके वही गोबर में मिला के उसका गोला बनाते थे। तो उनको बाबा ने कहा, ये मेरे बच्चे एका नामी के अवतार हैं, कितने किफ़ायत से सब काम करते हैं, यज्ञ के लिए सोचते हैं। तो बाबा ने जब कहा इकट्ठा करना, तो आके बोला, बाबा हमने राख और गोबर इकट्ठा कर दिया, अब चलिए बताने। अब आप सोचो जो भाग्य विधाता है त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा बाबा जगत पिता, तो बाबा ने फिर गोबर में मिला के सिखाया और लड्डू बना बना दिया और वो दौड़ दौड़ के सुखाने के लिए रख जाता था। इतने में कोई VIP आ गया और गेट पे पूछा, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो पहरे वाला भाई भी बड़ी सहजता से कहता है, गुरु गौशाला में है बाबा। उसने कहा चले जाएँ दर्शन कर लें। हाँ चले जाओ कर लो दर्शन। अब बाबा तो गोबर का गोला बना रहा, वो VIP आया दर्शन करने। लेकिन उस समय में जो बाबा को देखा तो वहीं वो सीधे गौशालम बाबा के चरणों में दंडवत हो गया, उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है कि श्री कृष्ण जो है वो सखा के साथ बॉल खेल रहे हैं, ना गोबर दिख रहा ना वो दिख रहा, वो श्री कृष्ण दिख रहे हैं, वो ग्वाला दिख रहा कि वो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तब बाबा ने सुनाया कि बच्चे काम कभी छोटा नहीं होता है, हमारे जब मानसिक स्थिति श्रेष्ठ होगी तो उससे हमारा जो है ना कर्म भी श्रेष्ठ होगा, साक्षात्कार भी वही होगा। तो छोटा काम हो बड़ा काम हो उसको बड़ा समझ के, यज्ञ सेवा समझ के हर काम को खुशी खुशी करना है। ये दिमाग में ना आए कि ये तो छोटा काम है या ये काम है, नहीं। तो ऐसे कुल मिलाकर के बाबा के साथ रह के जो अनुभव किया, तो बाबा फिर माँ का रूप बाप के रूप में तो टेंट खटिया लगा दिया, अब तुम ही हो माता शपिता बंधु सखा। क्योंकि बाबा जब परम धाम में बैठे हैं तो उस रिश्ते का तो ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ आरती में गाते हैं तुम ही हो माता शपिता बंधु सखा। लेकिन संगम पर जब साकार में आए तो वो प्रैक्टिकल और कर्म ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो थोड़ी जब और गर्मी बढ़ी तो मुझे छोटे छोटे चेचक निकल आए, तो ये हुआ कि भई इसको तो वो चाहिए। तो विश्वरतन दादा को मेरे ऊपर ड्यूटी लगाई बाबा ने कि इसको दूध रोटी दो, यमन नमक और मिर्च वाली चीज़ें नहीं देना है, और कच्चे दूध को बाबा ने कहा गाय का रखो, और गुलाब जल डाल के रोज़ बाबा मेरे को उससे ला के सब शीतल करता था।
तो मुझे भी नशा चढ़ गया कि भक्ति में शिव बाबा के ऊपर तो सबने दूध चढ़ाया है, लेकिन यहाँ तो भगवान खुद मेरे ऊपर दूध चढ़ा रहा है, दूधों से नहला रहा है। तो माँ ही ये काम कर सकती है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा ने एक दिन पूछा, बच्ची तुमको रोटी बनाने आती है? एक एक काम बढ़ाता गया बाबा, ट्रेंड करते गए, सिखाते गए। फिर उसके बाद में बाबा ने खुद जा करके, और मुझे तवे पे, बड़े बड़े तवे होते थे, रोटी सेकना सिखाया। तो दही बड़ा बनाना, रोटी सेकना, सब काम बाबा ने सिखा दिया। तो इस तरह से माँ का रूप देखा, पिता का रूप देखा, शिक्षक का रूप देखा, सतगुरु का रूप देखा। अब बाबा कहे, बच्ची तुम्हें सेंटर में जाना है तो टीचर बनना है, कोर्स कराना सीखना है। तो कैसे सीखें? तो रतन मुनि दादी को कहा, इसको कोर्स कराना सिखाओ। तो रतन मुनि दादी ने सिखाया। और कोई गुह्य प्रश्न होते थे तो कहा, जगदीश भाई इसको बताओ कि कोर्स कराने में कोई क्वेश्चन आंसर करे थे क्या जवाब देगी। तो एक घंटा मुझे जगदीश भाई दोपहर में देते थे। तो मैंने कभी जीवन में दिन में नींद नहीं किया, और इस तरह से मतलब चलता था, जो मिला वो स्टडी करते थे। तो सब करते 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 रहे। और लेकिन जब वो सर्दी के दिन थे, मैं कहना शुरू भूल गई, जनवरी मास में, तो बाबा ने एक बड़ी मेज थी, उस पर बाबा खड़े हो गए। उसमें अल्मोनियम की बड़ी बड़ी केटली होती थी, उसमें चाय भरी थी। तो आओ बच्चे क्लास के बाद बाबा सबको दे रहे थे, सब अपना अपना कुल्हड़ लेके बाबा से पी रहे थे। तो मैंने सोचा, ये संगम युग है, कल्प कल्प की नूंद है ड्रामा में, तो हम भी बाबा से चाय लेके पी लें। तो हम भी कुल्हड़ लेके गए, ले तो लिया बाबा से चाय, कभी पिया नहीं था, पीने आया नहीं, हमारा मुँह और जल गया, चाय कड़वी लगी। तो मेरे लाइफ का वही एक कप चाय है, एक घूंट चाय, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कोई हो, कहीं पर भी मैंने ठंडा, जैसे भाई जी ने कहा गर्म पानी, ना गर्म से कभी मैंने लाइफ में स्नान किया, और ना मैंने गर्म चीज़ कभी पिया, ना ठंडा गर्म। तो बाबा की जो है ना, इतनी पावर रही है, इतनी शक्ति रही, जो साकार बाबा ने नैनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, हाथों के द्वारा इतना मजबूत बना दिया, पक्का बना दिया। उसके बाद फिर बाबा ने मुझे सेवा के लिए, फिर बाबा ने नहीं भेजा वो, फिर मैं और कभी सुनाऊंगी। फिर मम्मा फिर कह, बड़े खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे परिवार का जन्म ही मम्मा द्वारा हुआ है। जैसा कि शायद सुना होगा आप सभी ने कि मम्मा लखनऊ में आई हुई थी, और हमारे लौकिक पिताजी क्लास में बैठे थे। तो मम्मा ने बोला कि कौन है जो शिव बाबा का संदेश जन जन को देगा, और जिन आत्माओं ने आधा कल्प से वर्षा खोया है वो बाप से अपना वर्षा ले लेंगे। तो जो भी भाई बहन क्लास में बैठे थे वो सब शांत थे। जो हाथ उठा वो हमारे पिताजी का उठा। तो मम्मा ने कहा, अच्छा क्लास के बाद मिलना। जब क्लास के बाद मिले तो मम्मा से पूछा, मम्मा हम देंगे संदेश? तो मम्मा ने कहा, नहीं, जाके अपने घर में, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार को ये ज्ञान पहले दो। तो मम्मा के द्वारा ही चित्र, मुरली सब लखनऊ से मिला। तो ऐसे ही कहेंगे कि मम्मा निमित्त बनी हमारे पूरे परिवार को बाबा का बनाने में। और जब मैं इस ज्ञान में आई और बाबा के पास गई, तो मम्मा जो है, मैंने पहली बार मम्मा को देखा, उसके पहले नहीं देखा था। जब देखा तो मुझे बहुत इतना खींच हुई मम्मा से, इतनी आकर्षण थी मम्मा के अंदर, मम्मा का जो व्यक्तित्व था, मम्मा के चेहरे पे जो तेज था, जो एक सौम्यता थी, वो देख करके लग रहा था कि बस मम्मा को देखती जाऊं, देखती जाऊं। और मैं क्लास में बैठ के मम्मा को देखती रही, देखती रही, क्या कि ये बच्ची तो बहुत, जैसे तो प्यासी है। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया, और मम्मा ने जब बुलाया तो बाबा ने परिचय कराया।
तो मम्मा कहती है कि दुनिया के अंदर माँ बच्चे को बाप का परिचय कराती है, और यहाँ बाप माँ का परिचय करा रहा है। ये वंडरफुल बात है ड्रामा में। तो बाबा ने मेरा पूरा परिचय मम्मा को दिया कि मैं कैसे ज्ञान में आई, कैसे बाबा लेके आए। तो बाबा ने सारा मम्मा को सुनाया। तब मुझे भी लगा कि बात तो सही है कि माँ ही बच्चों को परिचय कराती है पिताजी का, पिताजी की गोद में देती है। लेकिन यहाँ पिताजी अपने बच्चों का परिचय माँ से करा रहे हैं। तो मम्मा ने एकदम मुझे आगे बुलाया और बुला करके मेरा हाथ पकड़ के गोदी में बिठा लिया। बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आंसू आ गए। तो फिर मम्मा जो थी, मैंने अनुभव किया जैसे कि मम्मा के अंदर एक बहुत शक्ति है। तब सकाश शब्द का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये लग रहा था कि मम्मा से कुछ हमें ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है। और मम्मा का जो गोद थी, मम्मा का हाथ पकड़ा मैंने, तो लगता था मम्मा कोई रुई की बनी हुई है, फॉर्म की बनी हुई है। हड्डी तो लगी नहीं रही थी कि कोई हड्डी का भी है। तो ऐसे लग रहा था कि बस मम्मा की गोद में बैठे रहें। तो मम्मा एक जैसे शीतला देवी के रूप में शीतल छा आत्मा को महसूस हो रही थी। मम्मा के द्वारा बहुत शीतलता मिली। ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्यासे को झरने का ठंडा पानी मिल गया हो, या कोई तपते हुए को एक तरवर की छाया मिल गई हो। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं भी मम्मा की गोदी से नहीं उतर रही थी और मम्मा भी प्यार करती जा रही थी। और ये तो सुना था कि मम्मा जगत माँ है, मातेश्वरी जगत अम्बा है, और ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना, सृष्टि के नवनिर्माण में ब्रह्मा सरस्वती का रोल है। तो सरस्वती माँ जो विद्या की देवी, तो मुझे भी लगा कि मम्मा इतनी प्यारी है, अच्छी है। तो साथ साथ इसी कारण ही बाबा ने मम्मा के सिर पे ज्ञान अमृत का कलश रखा। और मम्मा को जब मैं देखा तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि मेरे को कल्प कल्प ये माँ मिल गई है, यही मेरी माँ है। और अपनी लौकिक माँ तो याद भी नहीं आई, कोई नहीं याद आया, तो मम्मा और बाबा बस मुझे दोनों ही मिल गए हैं। फिर मम्मा ने बहुत प्यार किया। मम्मा ने कहा अच्छा, तो मम्मा ने बहुत प्यार से मेरे से बातें की। और एक विशेषता देखी कि मम्मा, मैं इतनी छोटी थी, मुझे तुम नहीं कहा। हमारे घर में भी सभी तुम कह के बात करते थे बड़े, लेकिन मम्मा इतनी महान, सारे विश्व की जगत माता, और मुझे आप कह रही है, तो बहुत ही जैसे कि मुझे शर्म सी लग रही थी कि मम्मा इतना सम्मान दे रही है और आप कह के बात कर रही है। फिर मम्मा के अंदर रहते रहते मधुबन में साथ में मैंने बहुत विशेषताएं देखी कि मम्मा जितना ही गंभीर थी, बहुत गंभीर थी मम्मा में, जरा भी हल्कापन बोलने में, चालने में, चलने में कहीं नहीं लगता था। तो जितना वो गंभीर थी, उतना ही मम्मा बहुत रमणीक भी थी, बहुत रमणीक थी। मम्मा से कभी भय नहीं लगता था, अच्छा लगता था मम्मा के पास जाना, बैठना और मम्मा के साथ रहना, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने देखा कि मम्मा केवल सरस्वती नहीं है विद्या की देवी, क्योंकि मम्मा के जो वाक्य होते थे, जो शिक्षा होती थी, वो एक तरह से जैसे गुरु की शिक्षा। अब शिक्षा में शिक्षा, जैसे कहा जाता है कि जैसे केले के पात पात में पात होता है, तो मम्मा की बात में भी इतनी गुह्यता होती थी कि उसका इतना ज्ञान में ज्ञान है, भरा हुआ है। तो मम्मा के अंदर इतनी गहराई थी, अंदर से जैसे कोई सागर की गहराई और मोतियों से भरा हुआ है। बाबा की तो बोलने में लहरें लगती थी, लेकिन मम्मा की एकदम शीतल और बहुत ही शांति की लगती थी। शायद इसीलिए शीतला देवी नाम पड़ा है। अगर माँ विद्या की देवी सरस्वती है,
तो शीतला माँ भी है, बच्चों को शीतल करने वाली। कोई कितना जोश में हो, कोई कारण से उखड़ा हुआ हो, तो देखा मम्मा उनको दृष्टि देते देते एकदम शांत कर देती थी, शीतल कर देती थी, और वो भी बिल्कुल शीतल हो जाता था। और मम्मा जैसे दिखाया है अपने संगम पर कि सरस्वती गुप्त है, दो नदियां तो दिख रही हैं गंगा जमुना पर सरस्वती गुप्त है, वास्तव में मम्मा का हर बात गुप्त होता था। जैसे कोई डिस्टर्ब है, मम्मा से बात कर रहा है, तो मम्मा उसकी बात को सुन करके समा लेती थी, जैसे गुप्त कुछ सुना ही नहीं है, है ही नहीं। और कभी भी किसी को ये नहीं कहती थी देखो ये डिस्टर्ब है या कोई बात है, केवल वो जाने और मम्मा जाने। तो इसलिए शायद सरस्वती को गुप्त रीति से दिखाया। और मम्मा कभी भी अपना किया हुआ वर्णन नहीं करती थी। मम्मा बहुत ही आत्म अभिमानी अशरीरी अव्यक्त रूप से। एक बार मम्मा बेंगलोर गई थी सेवा पर, जब बेंगलोर से लौट करके आई तो बाबा ने कहा मम्मा तुम इतनी प्रजा बना करके आई हो तो कितके खाते में जाएगा, तुम्हारे कोई श्रेय है इतनी सेवा किया है, और बाबा तो यहाँ बैठा हुआ है। तो मम्मा ने कहा नहीं बाबा, मेरी प्रजा नहीं है, वो आपके ही राज्य में आएगी, आप विश्व महाराजन बनेंगे तो मेरी बनाई हुई प्रजा भी आपके ही राज्य में आएगी, मेरी नहीं है। इस तरह से मम्मा जैसे कोई अभिमान नहीं कि मैंने इतनी सेवा की, इतने अच्छे को निकाला। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, अगर मेरे हिस्से में आएगी, मैं विश्व महाराजन बनूंगा, तो मम्मा आप विश्व महारानी बनेंगी। तो कहा गया है कि राज राजा का और हुक्मरानी का, तो हुक्म तो मम्मा आपका ही चलेगा सतयुग में। तो ऐसे चिटचाट मम्मा बाबा की चल रही थी, पर मम्मा को कभी नहीं कि मैंने सेवा किया तो कोई मान हो, मेरा नाम हो या मान शान का कुछ हो, नहीं, या कोई मुझे महिमा करे कि मम्मा बहुत सेवा करके आई है। तो इतनी निरहंकारी मम्मा थी, और मम्मा को हर कार्य में मैंने सब कुछ अपने आँखों से देखा। मम्मा इतनी शक्तिशाली भी थी कि अगर किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी है तो मम्मा बात करके दृष्टि दे के उसकी कमजोरी को ख़त्म कर देती थी। तो एक तरह से मम्मा का काली रूप भी था, मम्मा की दृष्टि से, मम्मा की शक्ति से, जैसे कहते ना काली ने असुरों का संहार किया, तो आसुरी संस्कार का संहार मम्मा कर देती थी, और वो आत्मा अपने विकारों की बलि मम्मा के आगे छोड़ देता था, चढ़ा देता था। इसलिए शायद कलकत्ते में यादगार है कि मम्मा के ऊपर वहाँ पे जो है काली के ऊपर बकरे की बलि चढ़ाते, पर यहाँ कौन सी बलि चढ़ाते, जो मैंपन की थी कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो इसकी बलि चढ़ाई। तो काली की ये बलि है जो मैंपन है, जो बकरे की एक जन्मजात बोली है, मैंपन को बलि चढ़वा देती थी। और हर कार्य में मम्मा प्रवीण थी और हर कार्य करने को तैयार थी। क्लास के बाद में कभी सब्जी काटना होता था, कभी मसाला कूटना होता था, बहुत बड़े बड़े लोहे के इमाम दस्ते थे, और जो मूसली थी बहुत बड़ी बड़ी कूटने वाली थी। तो उस समय मशीन के मसाले नहीं होते थे पिसे हुए, मोटी मोटी हल्दी मिर्चा धनिया सब कूटा जाता था। तो बाबा भी हाथ लगाते थे, मम्मा भी कूटती थी, फिर सब भाई बहन देख के पहुँच जाते थे, एकदम बिजली की तरह खबर पहुँचती थी कि मम्मा मसाला कूट रही है, बाबा मसाला कूट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो सब हम लोग पहुँच जाते थे। तो मम्मा ने कहा ना जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। तो मम्मा ने कह के नहीं काम कराया, मम्मा ने करके दिखाया, हर कार्य करके दिखाया। और यहाँ तक कि मम्मा जब बाबा मुरली चलाते थे तो बहुत ध्यान से सुनती थी, बहुत ध्यान से, और एक एक बात को अपने अंदर उतारती जाती थी, उसका मनन चिंतन करती थी। तो जैसे बाबा कहते थे तुम्हारी माँ बच्चों के लिए माजून तैयार करती है,
उसको सुन करके बहुत सरल करके सरल शब्दों में फिर मम्मा सुनाती थी। तो पहले मम्मा आधा घंटा सुनाती थी क्लास में, फिर उसके बाद बाबा जाके मुरली चलाते थे। तो मम्मा पहले योग करा के क्लास करा लेती थी, और मम्मा बाबा का भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। हाँ के सिवाय हाँ जी, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, कभी ऐसा कुछ नहीं जो बाबा ने कहा तो वो जी बाबा कह के सब सुन लिया और धारण कर लिया, वो सारा कार्य करती। और बाबा के लिए भी बहुत था कि बाबा की कोई बात अगर मम्मा ने सुना तो वो उसको तुरंत फॉलो करती थी। एक एक बोल बाबा के वर्सन्स को वो हीरा समझ के अपने दिल रूपी तिजोरी में समा लेती थी। और मम्मा को यज्ञ से बहुत प्यार था, जितना बाबा से प्यार उससे ज़्यादा यज्ञ से प्यार। और इतना प्यार था कि जब सवेरे गुरुवार का दिन आता था, मम्मा अपने हाथ से भोग बनाती थी। कहती थी कि देखो, मैं भी कई बार बोला, भोली दादी बोलती थी मम्मा मैं बना लूँगी, आप मुरली जाके सुनाओ। मम्मा कहती थी नहीं, तुम तैयारी करके रखो। तो पहले मम्मा भोग बनाती थी, फिर क्लास में जाती थी। तो मम्मा ने कहा कि किसी का विदेश से भाई आए, पिताजी आए, रिश्तेदार आए, तो वो जो है अपने हाथ से प्यार से भोजन खिलाएंगे। वो तो करके 3 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, और हमारा माता पिता बंधु सखा सतगुरु वो जो सब है वो तो 5000 साल के बाद आया है। तो परम धाम से इतना दूरी से आया है। तो मम्मा बहुत प्यार से इसलिए बाबा के लिए भोग तैयार करती थी, और अपने हाथों से तैयार करके थाली में रख करके उसके बाद जाके मम्मा मुरली सुनाती थी। तो इसी तरह से बहुत मम्मा को प्यार था। और एक बार क्या हुआ कि कितनी मम्मा को कदर थी, पालक थी तो मैं पालक को साफ कर रही थी, तो मैंने तो ऊपर ऊपर के पत्ते तोड़ दिए, और उसके नीचे जो छोटी छोटी पत्तियां निकली होती ना किल्ले, वो छोड़ दिया। तो पूरी पालक ही गाय को खिला दी जाती थी, तो उसका तो कोई मुझे कदर नहीं था। फिर मम्मा ने उसमें से सब में से तोड़ा निकाला, कहा देखो इतना इसमें से निकला, एक के हिस्से का है ये बर्बाद हो जाता। तो मम्मा की उस सीख से ये सीखने को मिला कि कोई भी चीज़ नहीं बर्बाद करनी, एक पत्ती भी बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि वो यज्ञ का है। तो इसी प्रकार मम्मा एक एक बात सिखाती रही, सीखते रहे। फिर एक दिन मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम जो मुरली सुनती हो तो किस स्थिति में बैठ के सुनती हो। मैं चुप थी, क्योंकि वैसे तो आगे कन्याओं को बिठाते, मैं भी आगे ही बैठी थी और सभी पीछे बैठते थे, पहली लाइन हमारी होती थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मम्मा ने कहा देखो, जब भी मुरली सुनो अव्यक्त स्थिति में अशरीरी होके सुनो और एकाग्र होके सुनो, और सुनाने वाले की आँखों में आँख मिला के सुनो और उसको धारण करो। अगर एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, दृष्टि से दृष्टि नहीं मिली होगी, तो बीच में माया क्या करेगी, ये मुरली का जो है ना भोजन वो खा लेगी, और जब वो खा लेगी तो माया हो जाएगी तंदुरुस्त, और तुम्हें तो खुराक मिलेगी नहीं, केवल बैठ के सुन रही हो तो तुम पड़ जाएंगी कमज़ोर। तो माया खा के तंदुरुस्त होके फिर तुम्हारे ऊपर लड़ाई करेगी, वार करेगी। जैसे मम्मा ने कहा कोई ड्रिल टीचर होता है, जब वो ड्रिल कराता है तो करने वाले बिल्कुल अटेंशन से उसी तरफ ध्यान रखते हैं, अगर उनकी नज़र इधर उधर चली गई तो वो वैसा ड्रिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी समझ में आया है कि हमें मुरली के टाइम पर किस प्रकार से और किस अवस्था से मुरली को सुनना है। तो एक बारी मम्मा इकोनॉमी की भी अवतार थी, तो इकोनॉमी सिखाने वाली, तो उस समय मधुबन में इतना कोई संपन्नता नहीं थी इतना जिस आज बहुत ही हमें दिखाई देता है, और कैसे इकोनॉमी से यज्ञ चलता था।
तो मम्मा ने सभी को, सभी जो रहने वाले थे और मैं भी गई थी, तो एक बट्टी साबुन कपड़ा धोने का मिलता था मास भर में, और एक मिलता था स्नान का। और चूँकि वहाँ पे इतनी खुश्की होती है आबू में, जो परमानेंट रहते तो उनके स्किन भी खुश्क हो जाते थे, तो उनको सरसों का तेल मिलता था कि बदन में लगा लेंगे तो खुश्की नहीं होगी। तब कोई बॉडी लोशन और बॉडी क्रीम नहीं होता था, सरसों का तेल मिलता था। तो मेरा जो साबुन, क्योंकि हफ्ते में एक बार विश्वरतन दादा भाइयों के कपड़े की भट्टी चढ़ाते थे और एक बार बहनों के कपड़े की चढ़ाते थे, सोडा वगैरह डाल के भट्टियाँ जला के पकाया जाता था, और विश्वरतन दादा फिर वो जैसे धोबी का पाटा होता था उस पर पीटते थे और सब कपड़े को पानी से धो के निकालते थे। तो मेरी जो साबुन की भट्टी थी वो तो 3 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई। तो मैंने बोला, मम्मा साबुन तो मेरा ख़त्म हो गया। मम्मा ने कहा, कैसे, अभी तो मास पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा, मम्मा मैंने कपड़ा ही तो धोया है और क्या किया है। मैंने कहा, कैसे धोती हो? फिर मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने कहा, देखो कपड़ा पूरा नहीं ख़राब होता है, गंदा नहीं होता है, नीचे का जो बॉर्डर है, किनारी है, वो गंदी होती है, और ब्लाउज का कफ और कॉलर गंदा होता है। तो बताया मम्मा ने, इसे उठा के पल्ला और ऐसे ऐसे चुन्नट पूरी साड़ी का करके दिखाया, का देखो ऐसे हाथ में पकड़ो और साबुन को पानी लगा के ऐसे हाथ से पोंछ के ऐसे रगड़ो, तो सारी जो किनारे की है वो जरा से साबुन में साफ हो गई, और हल्का सा साबुन लगा के फिर तुम्हारे सब धुल गए। तो ऐसे कफ लगाओ ब्लाउज का तो ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। जब मैंने करके देखा तो जो मेरा एक हफ्ता पहले जब भट्टी ख़त्म हुई थी और एक मास आगे मुझे मिलेगी, वो मेरी 4 हफ्ते के बजाय 5 हफ्ते वो मेरे साबुन की भट्टी चली। इस तरह जो मम्मा ने सिखाया कि कैसे वस्त्र धोना है और कैसे कम खर्च वाला नशीन, यज्ञ का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है। अच्छा, आप तेल है, छोटा तेल मिलता, थोड़ा सा मिलता, तो मम्मा ने सिखाया नहीं, ऐसे नहीं करो, हाथ की हथेली पे पानी का बूंद डालो पहले, फिर 2 बूंद तेल डाल के उसको हाथ में रगड़ के मिला लो, फिर लगा लो, तो वो तुम्हारा कम में हो जाएगा। तो इस तरह से मम्मा ने हर चीज़ को किफ़ायत इकोनॉमी से सिखाया, तो वो भी वहाँ पर सीखा मम्मा से। फिर एक दिन ऐसे बात आई तो मम्मा ने कहा कि देखो तुम कभी भी झूठ नहीं बोलना, लाइफ में एक सच्चाई का गुण धारण कर लो, अगर सच्चाई है तो सफाई भी है, और सफाई भी है तो ईमानदारी भी है, तो एक जो है अनेक गुणों को ले आएगी तो खुश रहेंगी, और झूठ बोलने वाले को तो बहुत बातें सोचनी पड़ती है, वो यही भूल जाएगा, उसको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा झूठ बोला था, तो दोबारा वही बोले जो बात ना बदल जाए। तो झूठ को याद करेंगे या शिव बाबा को याद करेंगे, तो कभी भी निडर हो करके सच्चाई कर देनी है, ये ना सोचना डर के मारे कि झूठ बोल दें। तो ये तुम अपनी लाइफ में एक धारण कर लो, कभी भी पक्का करो झूठ नहीं बोलना है। तो मम्मा का जो कहना होता था वो दिल के अंदर ऐसा उतर जाता था कि मुझे कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पक्का हो गया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो एक बार क्या हुआ कि समय पर झूठ बोलना पड़ा मुझे। वो क्यों बोलना पड़ा, जब मैं कानपुर में आई तो यहाँ से दिल्ली से एक ट्रेन चलती थी, अपर इंडिया गाड़ी, वो कलकत्ता सीधा जाती थी, और कलकत्ता से चलती थी वो दिल्ली जाती थी, आने और जाने का टाइम कानपुर में सेम था, एक प्लेटफॉर्म पे जाने वाली खड़ी है तो दूसरा कलकत्ता से आने वाली खड़ी है। कभी कभी तो मुसाफिरों को धोखा हो जाता था, अपर इंडिया में बैठना कुली बिठा देता था। तो वहाँ पे क्या था, कलकत्ता से जो अपनी दादी रही है ना, उनकी मदर जा रही थी कलकत्ता से मधुबन, दिल्ली से ट्रेन बदलना था। तो रास्ते में कानपुर से लेके दिल्ली तक कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जहाँ भोजन मिल सके। तो 4 बजे सवेरे मुझे भोजन लेके जाना था उनके लिए। तो आप सोचिए, उस ज़माने में गैस चूल्हा नहीं था, पत्थर के कोयले सिगड़ी में जलाए जाते थे, जिनको हैमर से तोड़ तोड़ के जलाना है
फिर जब वो अंगीठी खुली पक जाती जल जाता है तब भोजन बनाना। इतना करने के बाद हम 4 बजे, कोई व्हीकल नहीं था तो आश्रम से दूर जा कर के जो रिक्शा मिलती थी बड़े चौराहे तक जाते थे, फिर वहाँ रिक्शा किया और 4 बजे मुझे प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाना है टिकट लेके। तो जब 4 बजे पहुँचे 5 मिनट बाद गाड़ी आ गई। जब भोजन का टिफ़िन मैंने पकड़ाया तो कहा कि विद्या लाई हो, तो एकदम मेरे को क्लिक हो गया कि अगर मैं कहती हूँ नहीं तो भोजन लौटा देंगी, तो जो 2 बजे से उठ करके मैंने मेहनत की हो जाएगी बेकार और दादी जो है भूखी जाएंगी दिल्ली तक, कोई जगह नहीं जहाँ से भोजन लें, और सर्दी का दिन था। तो मैंने बिना कुछ सोचे बिना समझे हाजिर जवाब जी भोग लगाया है, और लगाया नहीं था तो उनको भी लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे लगा के लाई हो, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बोली सच बताओ तुमने लगाया है, मैंने कहा सच कहती हूँ मैंने लगाया है, पक्का मैं खाऊं भोजन, मैंने कहा आप खाइए निश्चिंत होके खाइए मैंने भोग लगाया है, और मैंने भोग लगाया नहीं था। लेकिन उसके बाद से हमें इतना फ़ायदा हुआ उस झूठ से कि आज कभी भी किसी के लिए भी मुसाफिरी में जाना है, किसको स्टेशन भोजन देना है या कुछ भी है, तो पक्का बनाते जाओ और बाबा की थाली में निकालते 5 मिनट बाबा को भोग लगा के फिर मुझे देना है। तो वो दिन है कि आज का दिन है, कुछ भी बना चाहे बीच में कोई टोली भी बनती है सब बाबा को भोग लगाते हैं, और लगाने के बाद ही वो स्वीकार होता है। तो वो झूठ ने हमारे को इतना पक्का करा दिया कि उसके बाद मुझे हर काम एक्यूरेट करना, कभी झूठ नहीं बोला, वो मजबूरी में बोला मैंने। लेकिन जो मम्मा ने बताया था सिखाया था तो मम्मा का रूप ही सब कुछ सिखाने का था। तो इसी प्रकार से जैसे चलने में अगर किसी ने चप्पल की थोड़ी आवाज़ चली या चप्पल घिसट के चले तो सिंधी में मम्मा बुलाती इधर आओ जी मम्मा, ये खितिर खितिर करके क्या चल रही हो, खितिर खितिर माना कहते ना फटफट करके चल रही, चप्पल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मम्मा कहती थी कि देवताओं की चाल नहीं है ये, चप्पल को उठाए तुम चप्पल फटफट करो नहीं, ऐसे पाँव रखो जो पता भी ना चले कोई चल रहा है, इस धरती को दुख नहीं देना है। मम्मा कहती थी तुम्हारी चाल से धरती को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो चाल भी मम्मा ने सिखाया कि चप्पल को कैसे उठाना है कैसे पैर रखना है। तो उस समय दिन में चट्टी होती थी जिसको चाकड़ी कहते यज्ञ में, और वो पट्टे वाली होती थी लकड़ी की, कलकत्ता से आती थी। तो वो चट्टी पहनना मम्मा ने सिखाया कि इसको पहन के भी चट चट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, पाँव दबा के कैसे चलना होता है वो मम्मा ने सिखा दिया चलना। तो मम्मा भी और बाबा पूरे यज्ञ में चट्टी ही पहनी जाती थी, जब कहीं बाहर निकलना है तभी चप्पल पहनते थे, चाहे किचन में जाना है कहीं जाना पूरे लान में भी सब जगह चट्टी पहन के चलते थे, वो लकड़ी की होती थी। तो इस तरह से मम्मा और बाबा सभी परिवार वाले पहनते थे। तो चट्टी पहन करके आवाज़ ना आए जिसको खड़ाऊँ भी लोग कहते हैं, तो इतनी शांति से चलना वो मम्मा ने सिखाया। और मम्मा कहती थी देखो कभी भी आना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मम्मा स्वयं अथक थी। तो मम्मा ने कहा अलबेलापन आलस और थकावट ये अपने जीवन में कभी नहीं लाना है, और ये भी बताया कि थकावट होती कब है। थकावट होती नहीं है वास्तव में, अगर उमंग में उत्साह में बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो थकेंगे नहीं। थकावट 2 शब्दों से होती है, 2 कारण से होती है। जब पता है कि कल की मेरी दिनचर्या बहुत टाइट है तो सवेरे संकल्प आएगा कि आज दिन भर रेस्ट करने को तो मिलेगा नहीं, बहुत वर्क है बहुत भाग दौड़ है, तो थोड़ी देर और लेट लें, वो दिन का कोटा सवेरे पूरा करेंगे। तो दिमाग में बैठा हुआ कि थकावट, और चलिए वो भी नहीं हुआ तो सारे दिन जो वर्क किया तो रात को जब चारपाई पे जाएंगे तब सोचेंगे आज हमने बहुत काम
काम को रिवाइज करेंगे, और जहाँ रिवाइज किया वहीं थकावट आ गई। अगर रिवाइज नहीं किया तो थकावट नहीं आएगी। तो ये भी मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि थकावट कब आती है, वो संकल्पों में आती है। थकावट अपने सोच में आती है, तो नहीं सोचा तो नहीं है, सोच लिया तो थक गए, तो अथक बन के रहना है। फिर मम्मा ने कहा अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट बनाना है, जिसको खुली किताब या खुला पोस्ट कार्ड कहते हैं। लिफाफा नहीं बनाना है, क्योंकि लिफाफे में थोड़ा सस्पेंस रहता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो इतना अंदर बाहर स्पष्ट रहो, पारदर्शी रहो, जो मन में सोचो वही बोलो और वही करो, तो उससे कभी बदलना नहीं है। तो किसी के मन में संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं इनके मन में मेरे लिए क्या सोच चल रहा है, पता नहीं इनके मन में क्या विचार चल रहा होगा। तो इसलिए हमेशा स्पष्ट पारदर्शी रहना है, अपने लाइफ को खुली किताब बनाना है। और जैसे करते करते कहते ना, माँ जो होती घर की प्रथम गुरु होती है, तो माँ माँ भी, माँ शिक्षिका भी, और माँ प्रथम गुरु भी। एक बार मेरे से हंसी निकल गई ऐसे कोई, तो मम्मा ने बुलाया, मम्मा ने कहा कि देखो ये देवताओं की हंसी नहीं है, क्योंकि याद आदत होती थी खिलखिला के हंस देने की। तो मम्मा ने कहा कि देवताएं सिर्फ मुस्कराते हैं, जोर से हंसना ये भी एक विकार है। कभी जोर से ब्राह्मणों को नहीं हंसना है, देवताएं कभी जोर से हंसते हैं क्या? हाँ, असुरों के मुख जरूर ऊंचा हंसे जोर से, तो ये एक विकार है जोर से हंसना, इसको भी छोड़ देना है। तो उस दिन से हम कभी जोर से नहीं हंसे हैं, क्योंकि मम्मा ने बता दिया है कि देवताएं मुस्कराएंगे, इतने ज़ोर से खिलखिला के नहीं हंसेंगे। तो एक एक बात, छोटी छोटी बात मम्मा सिखाती थी, छोटी छोटी बात। तो इस तरह से मम्मा हर एक चीज़ सिखाती थी, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, क्या कैसे करना है, तो वो मम्मा पूरा सिखाती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वैसे भी मम्मा को चलते फिरते, मम्मा कहीं खड़ी होती थी तो मैं जा करके मम्मा के साथ खड़ी हो जाती थी। फिर एक दिन वो भी आया, जब मम्मा कहने लगी कि तुमको अब सेवा पर जाना है और तुम्हारी डिमांड कानपुर के लिए बहुत है, गंगे दादी याद करती है, पत्र लिखती है कि मुझे वो हैंड्स भेज दो, क्योंकि उन दिनों में यज्ञ में हम ही इकलौते रहे, तो बाबा चलते फिरते बहुत महिमा और मुरली में भी महिमा करते थे। मेरा नाम बाबा ने कभी नहीं लिया, क्योंकि हमारे गांव का नाम जो रेवना था, तो हमेशा बाबा रेवना बच्ची कहते थे। तो बाबा रेवना बच्ची करके बहुत सारी विशेषता जो मैं भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन बाबा महिमा करते थे। तो वो टेप में आता था, पहले टेप होती थी और वो टेप भर के आती थी, सभी सुनते थे। तो बहुत जगह से हुई, लेकिन मम्मा ने कहा देखो फिर भी तुम कानपुर जाओ, ऐसे डिमांड तो बहुत लोगों की है। तो मम्मा ने हमको प्यार से सिखाया कि जब जाना तो कहाँ भी तुम जाओ, लेकिन सबसे पहले तो अपने विचार नहीं रखना कि मेरा विचार कहता है, या मैं, मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, मैं इतना करती हूँ तो कोई मेरी महिमा करे। मम्मा ने कहा नहीं, और कभी कभी तुम्हारे सामने पेपर आएगा और लगेगा कि जो अच्छे स्टूडेंट आते हैं वो तो बड़ी बहनें समझाती हैं, और जो साधारण आया, कोई बूढ़ी माताएं आई, कोई जो है बुजुर्ग आया, अनपढ़ा आया, गरीब आया, तो कह देंगे जाओ तुम इनका कोर्स कराओ। तो एक दिन तुम्हारे मन में संकल्प आएगा कि अच्छे अच्छे को तो खुद समझाते हैं और बूढ़े। मैंने कहा देखो मुझे ना नहीं करना, क्योंकि मम्मा ने सिखाया है, तो मैं कभी ना नहीं कर सकती हूँ, कैसे भी मैं पूरा करूँगी। इसी तरह से चाहे कोई स्टेशन से पास हो रहा हो, समय कम हो, ट्रेन आने वाली हो, अगर कह दिया भोजन चाहिए, तो कैसे भी हमने तैयार करके आज तक पहुँचाया। कानपुर से कोई भूखा नहीं गया, अचानक कहने वाला भी नहीं, तो दूसरा कहेगा ट्रेन तो आ रही, इतनी जल्दी कैसे भोजन तैयार हो जाएगा।
या चाय तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से लाइफ में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी मैंने जो है वो किसी को ना नहीं बोला है, तो हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार। तो यहाँ तक छोटी सी एक बात बताएं कि हमारा जो रतन महल की बिल्डिंग है, अपार्टमेंट में बहुत लोग हैं और हर तरह का सहयोग है, मिलना जुलना है। तो मेरा नाम रख दिया था कि विद्या बहन तो हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की दवा है, चाहे सिलेंडर कम हो चाहे कोई किसी के पास कोई और दिक्कत हो। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं कहती थी हाँ मैं अभी आपको अपना सिलेंडर दे देती हूँ, मैं देख लूँगी, आप पूरा कर लो। तो मैं चूल्हे से निकाल के भी अपना सिलेंडर दे देती थी। तो इसी प्रकार से किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने समझा कि नए नए रतन महल में आए थे कि भाई इनके यहाँ तो है तो कुछ ज़रूर होगा पूजा वाला। तो उन्होंने कहा दीदी मुझे कुछ चाहिए और मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है तो लेटाना है तो कुछ के ऊपर लेटाना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, जब तक गाय का गोबर आएगा पहले आप अपनी ज़मीन को गोबर से लीप लो और फिर तब आप हमसे कुछ मंगा लेना। तो मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी से रिक्शा करके कुछ समय भिजवा दो अपने नौकर से, जो भी पैसा होगा रिक्शे का हम सब पूरा देंगे। तो कहने का मतलब अगर मेरे से किसी ने उम्मीद रखी है किसी भी प्रकार की, तो उसकी उम्मीदें पूरी की। मैंने ना नहीं बोला कि नहीं हो सकता। तो हर प्रकार से जो मम्मा ने सीख दिया वो काम हमने किया और आज भी मम्मा की याद इतनी ताज़ी होती है। जिस प्रकार से जनवरी मास आता है तो बाबा का दिन याद आता है, बाबा 18 जनवरी अव्यक्त हुए थे, और जब जून मास आता है तो मम्मा की याद आती है, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली कहेंगे अपने को। कोटो में कोई मैं यहाँ से पार्टी लेके गई थी, जाना था गंगे दादी जी को, दादी ने कहा तुम चली जाओ पार्टी लेके, मैं फिर जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, मैं पार्टी लेके चली गई। और जब पार्टी को लौट के आना था, और उन्हीं दिनों में मम्मा की तबीयत भी ख़राब थी, मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि जो बॉम्बे से रमेश भाई का फ़ोन आया बाबा के पास कि बाबा मम्मा के लिए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 3 महीना 4 महीना की है। तो बाबा ने कहा ये तुम मुझे क्यों बताते, तो तुम मम्मा को बताओ। अब विचार करो किसी को बताया जाए कि आपकी लाइफ 3 महीना की है, तो वो 3 महीना की लाइफ में तो घबरा जाएगा, अब मेरा क्या होगा, चारों तरफ संकल्प चलेंगे, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी सारी संभाल है, मम्मा सबको देख रेख करती थी, सुनाती थी, समझाती थी। तो मम्मा को बताया, लेकिन मम्मा बिल्कुल अचल और अडोल थी, मम्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी समझो। तो जो मम्मा सबको पाठ पढ़ाती थी वह अपने पर प्रैक्टिकल दिखाई दिया। और मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो बाबा श्रीमत दे रहे वो मैं कर रही हूँ, जो वो करण करावा नार नहीं कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और अगर कोई मम्मा की महिमा करता था तो मम्मा कहती थी ये तो पिता प्रसाद है, जो उस पिता ने प्रसाद के रूप में दिया वो मैं भी दे रही हूँ, इसमें मेरा क्या है। तो ऐसे ही मम्मा के अंदर इतनी दृढ़ता थी, ड्रामा पे इतना अटल निश्चय था कि जो हो रहा ड्रामा अनुसार। फिर मम्मा जब मधुबन आ गई और वो लास्ट दिन था, तब मेरी पार्टी की वापसी थी, लेकिन इतना स्पष्ट बाबा ने भी नहीं बताया कि आज ही मम्मा जाएगी। तो मम्मा इतनी बीमार थी, मम्मा को उठा के तकिया लगा के बाबा ने बिठा दिया। जो बाबा ने अपने हाथों से अंगूर की बेल लगाई थी, तो बहुत बड़ा बगीचा था, जो अपना ये है ना मेडिटेशन हॉल, ये सब अंगूर के बगीचे थे, जहाँ बाबा की झोपड़ी है, कुटिया है, वो अंगूर अभी भी थोड़े बहुत यादगार है। तो बहुत अंगूर आया था, इतना अंगूर आया था कि बाबा ने उन अंगूरों को गत्ते के बॉक्स में भर के, मैंने पहली बार सीखा कि वो सड़े नहीं तो सूजा लेके मोटा छेद किया अपने हाथ से, इसको हवा लगती रहेगी, और अंगूर के पत्तों के बीच में रखा कि उसको चोट न लगे अंगूरों को। फिर जितने भी सेवा केंद्र थे बाबा ने सब जगह अंगूर भेजे, इतने अंगूर निकले टोकरे के टोकरे बॉक्स भर भर के। फिर जहाँ पार्टी के भाई बहन आए थे
और चाहे मधुबन के निवासी जो भी थे। तो बाबा ने कहा कि मम्मा आज अंगूर टूटा है और आपको बच्चों को अपने हाथ से खिलाना है। तो इतनी ताकत मम्मा में नहीं थी, लेकिन लास्ट दिन लाइन लगा करके बाबा के मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी लच्छू दादी, और बाबा हाथ को सहारा देके मम्मा से दिलवाते थे। तो मम्मा ने अपने हाथ से सबको अंगूर दिया, अच्छे से दिया और प्यार की दृष्टि दी। जब मेरी बारी आई दृष्टि लेके मम्मा के हाथ से अंगूर लेने का, तो मेरे से पूछा गंगे क्यों नहीं आई है। तो मैंने कहा मम्मा जब मैं जाऊंगी तब, उन्होंने कहा मैं बाद में आऊंगी। कहा अच्छा, तो तुम मेरी गंगे को याद देना। मैंने कहा जी मम्मा मैं ज़रूर याद दूंगी। लेकिन जिन जिन की टिकट बनी थी तो बाबा ने कहा वो भले जा सकते, मम्मा से मिल लिया, मम्मा ने विदाई दे दी है, वो भले जा सकते हैं। तो हम तो चले आए, हमारे ट्रेन का टाइम, उसके बाद ही मम्मा ने शरीर छोड़ा। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो एक आश्चर्यजनक बच्चों के लिए बात हो गई, पर बाबा ने कहा कि किसी को रोना नहीं है, कोई मम्मा के लिए आंसू नहीं बहाएगा, सबको पक्का कर दिया। और चलो बच्चे अभी थोड़ी देर में मम्मा को हिस्ट्री हॉल में रखेंगे और वहीं सब योग लगाओ, और बाबा भी योग लगाएगा, बाबा भी ऑलमाइटी से लड़ाई करेगा कि मेरे बच्चों की माँ को क्यों ले लिया तुमने, माँ को क्यों बुला लिया, वापस करो। तो ये तो पता है कि वो शरीर रहने लायक नहीं है, लेकिन बाबा ने सबकी बुद्धि को इस तरह से बांध दिया और सब इसी योग में बैठे हैं। बाबा कह रहे हाँ बच्चे इतना योग लगाओ कि मेरी माँ को बाबा वापस करो, और देखना लालमाइटी वापस करेगा। तो लास्ट तक यही चलता रहा। बाबा कहे मैं भी करता हूँ, मैं भी योग लगाता हूँ कि मेरी माँ बच्चों की माँ को भेजो। तो किसी ने एक आंसू नहीं बहाए लास्ट तक। बाबा ने कहा बच्चे कभी होपलेस नहीं होना, चिता से भी उठ के तुम्हारी माँ आ सकती है। फिर उसके बाद में एक बहन आई, उसका मम्मा से बहुत प्यार था, मुझे नाम भी याद है। तो वो वहीं गेट से जैसे होता ना रोना शुरू कर दिया, तो बाबा ने उसको जाके बहुत सीरियस रूप में कहा तुम यहाँ परेशानी करने आई हो, मना आप सोच प्रकट करने आई हो। वो बेचारी चुप हो गई। तो मम्मा के प्रति बाबा ने किसी को आंसू नहीं बहाने दिया। तो जैसे मम्मा अचल थी, अडोल थी और निश्चय था ड्रामा में, तो सब बच्चों को भी फिर बाबा ने पाठ पढ़ाया। तो इस तरह मम्मा का जो लास्ट दर्शन था वो भी हमको मिला, मम्मा के हाथों से ही प्रसाद मिला। जब साथ में रहे 6 महीना तब तो बहुत टोलियाँ खाई, लेकिन ये मम्मा के हाथ से अंतिम भी मिला। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरा बहुत बहुत सौभाग्य था। तो इसलिए जो माँ की पालना मिली है, बाबा की पालना मिली है, तो ऐसे ही कहेंगे कि समय रहते संगम युग पर बाबा ने हमको चुन लिया। जो सबकी पालना मुझे मिली, एक एक महारथियों की मिली। हमारा यज्ञ उस समय भरपूर था, सब दादियाँ सब दीदियाँ, बाबा मम्मा सभी दादे, तो ऐसा कोई नहीं रहा जिसको कि मैंने इन आँखों से परिवार को ना देखा हो। और हर एक में हर एक विशेषता है, तो हर एक में होता था। जैसे हमारी बड़ी दीदी की माँ क्वीन मदर थी, जो बाबा का रूम है वहाँ कुर्सी डाल के बाहर बैठी रहती थी। और बाबा ने सब बहनों को बोला था, दादियों को, कि क्वीन मदर को जो कोई भाषण करना सिखा देगा तो इनाम में मैं गिफ्ट में वो दूंगा, चांदी का गिलास। लेकिन वो भाषण करना कोई नहीं सिखा पाया। और उनकी क्या था कि जो कोई उनके सामने से पास होता था, गुजरता था, पहचान है नहीं है, वो उसको प्यार से बुलाती थी, मिठरी इधर आओ, मिठरी इधर आओ। तो जब बुलाया जी, कहती देख तुझे जीवन में सफलता पानी है, तो कौन कहेगा मुझे नहीं सक्सेस होना है। कहती थी 3 बातें याद रखो, मर मर, झुक झुक और सिख सिख। कभी मुंह से ना मिले कि क्या हम ही मरते रहेंगे, हम ही को दबाया जाएगा। उनको तो कुछ नहीं कहते, उनको तो सिर चढ़ाया हुआ है, हम ही को कहा जाता है। तो कहती थी मर मर, हर बात में मर के चलो और हमेशा झुक के चलो।
जो झुकता है ना तो वो दूसरों को भी उठा लेता है। तो कहती हमेशा झुक के चलो। और तीसरा सबसे सीखो, इसलिए दत्तात्रेय का मिसाल है कि उन्होंने 24 गुरु किए, तो एक एक से सीखना है। तो ऐसे यज्ञ में हर एक से जो पालना लिया है वो आज दिन तक भी जीवन में काम आ रहा है, और वो पालना ही है जो चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग ना देसी घी खाते हैं और वो बुढ़ापे में तभी इतना काम कर लेते हैं। तो मुझे भी जो मम्मा ने, बाबा ने, सभी परिवार ने एक शुद्ध घी कहें, शुद्ध प्यार कहें, शुद्ध ज्ञान कहें अथवा व्यवहार कहें, जो सब कुछ किया तो वो पालना मुझे चला रही है। और एक बात मुझे भूल गया, जब मम्मा मुझे विदाई दे रही थी कानपुर आने के लिए तो बोली तुमको ज़्यादा ज्ञान सुनाने ना आए तो तुम पता चार बात सुना देना सबको। वो चार बात कौन से कहा, उसमें सारा ज्ञान आ जाएगा। तुम चार बात याद रखो कि कौन चल रहा है, कौन जा रहा है, कौन खड़ा है, कौन आ रहा, कौन बैठा है, का इतना तो याद रखोगी। तो यही तुम सुनाना कि कलयुग जा रहा है तो कलयुग के ऊपर समझा देना, सतयुग आ रहा तो सतयुग पे समझा देना, और चल क्या रहा है, संगम युग चल रहा है जो संगम पे सबकी स्थापना बाबा स्वर की कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में खड़ा कौन है, कौन खड़ा है, विनाश सिर पे खड़ा है। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जब कोई ऐसी दिक्कत की घड़ी आए तो सोचना बाबा बैठा है, बस। और कोई ज़्यादा ज्ञान सुनाना ही नहीं है। तो मम्मा ने जो सहज रीति से सुनाया वही काम में आया। ओम शांति।